सब खत्म तो वैसे ही हो गया है डायना, तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर कालगढ़ बनना नियति में लिखा ही है तो अब उसे बनने से कोई नहीं रोक सकता, हम भी नहीं। अभिमन्यु के इस बात पर डायना पलटकर कुछ कहती, उससे पहले ही कछुआ गुस्से के साथ अभिमन्यु को घूरते हुए बोल पड़ता है, वक्त नहीं है हमारे पास अभिमन्यु, इस डायना को तुझे जितना कोसना है, जितनी नफरत करनी है, सब बाद में कर लेना। अभी मेरे दोस्त कायर को वो बॉटलों की पॉलीथीन थमा। युग भी हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अभिमन्यु पॉलीथीन दे दे, मैं किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। अभिमन्यु नम लहजे के साथ कहता है, हाँ दे रहा हूँ युग। जैसे ही अभिमन्यु हामी भरता है, कायर और कछुआ अपनी जीत पर हंसने लग जाते हैं। उनकी हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी की छत पर चैटर्जी वज्र का उपयोग करके अभी भी मंत्र पढ़ते जा रहा था और ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ जो उसने रक्षा कवच बनाया हुआ था उसे मजबूत करते जा रहा था, पर अभी भी करीब 300 मुर्दे बचे हुए थे और चैटर्जी की परेशानी अब बढ़ने लग गई थी। वो नोटिस करता है कि उसका बनाया रक्षा कवच अब कुछ जगहों से कमजोर होने लग गया है। कुछ मुर्दे उसे पार करके ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ आने लग गए हैं। चैटर्जी समझ जाता है कि अब रणनीति बदलनी होगी। चैटर्जी खुद से कहता है, लगता है अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा, बिना नरसंहार करे विजय प्राप्त नहीं होने वाली। इतना कहकर चैटर्जी तुरंत छत पर से नीचे उतरने लग जाता है। चैटर्जी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकलता है, दरवाजा बाहर से बंद करता है और मुर्दों की सेना की तरफ गुस्से के साथ देखते हुए उन्हें ललकारते हुए कहता है, आ जाओ मुर्दों, आज ये चैटर्जी किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर चैटर्जी अकेला ही उन मुर्दों की सेना से लड़ने लग जाता है। इधर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पॉलीथीन कायर को देने के लिए अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ाने लग गया था। उसने अपने एक हाथ में एक अस्त्र पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में दोनों काली पॉलीथीन। अभिमन्यु को ऐसा करते हुए देख डायना को अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है, वो खुद को कोसने लग जाती है। डायना गुस्से के साथ मन में सोचने लग जाती है, हार गई मैं, एक डायन होकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। अभिमन्यु सही कह रहा है, ये सब मेरी गलती है, मैं इनका वशीकरण तोड़ ही नहीं पाई, ये सब इस वशीकरण के तोड़। इतना कहकर डायना की नजरें उसके अपने हाथ में जो दो छोटे छोटे सफेद मोती पकड़कर रखे हुए थे उस पर चली जाती है। उन मोती को देखते ही डायना एकदम चुप हो जाती है, वो अपनी बात पूरी ही नहीं करती है। उसे उन दोनों सफेद मोतियों में कुछ नजर आने लग जाता है। जब डायना अपनी निगाहें तेज करके उन मोतियों की तरफ देखती है तो उसे उन मोतियों के अंदर किसी चीज की परछाई नजर आने लग जाती है, ऐसी परछाई जैसे वहां पर कोई कीड़ा हो। और अगले ही पल डायना उस कीड़े को पहचान लेती है। वो कीड़ा कोई और नहीं बल्कि बॉटफ्लाई था, वही बॉटफ्लाई जिससे काले साए को शक्तियां हासिल होती हैं। कायर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, जल्दी कर अभिमन्यु, ला ये पॉलीथीन मुझे दे। जब डायना कायर की तरफ अपनी नजरें करती है तो उसे कायर की एक आंख की पुतली के अंदर वही बॉटफ्लाई नजर आता है जो उसे सफेद मोती के अंदर नजर आया था। पर आंख की पुतली के अंदर जो बॉटफ्लाई नजर आ रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉटफ्लाई में जान हो, वो बॉटफ्लाई जिंदा हो, वो बॉटफ्लाई हिल रहा था। डायना तुरंत कछुए की आंखों की तरफ गौर से देखने लग जाती है और उसे कछुए की आंखों के अंदर भी वैसी ही जिंदा बॉटफ्लाई नजर आती है जो उसे कायर की आंखों में नजर आई थी। डायना अपना दिमाग दौड़ाने लग जाती है और अब वो समझ जाती है कि कायर कछुए पर किया हुआ वशीकरण क्यों नहीं टूटा है। डायना मन में सोचती है, वशीकरण तो तब टूटेगा ना जब वशीकरण किया गया होगा, इनके अंदर तो खुद उस काले साए ने अपने सेवक घुसा कर रखे हुए, तभी ये दोनों सेवक की तरह काम कर रहे हैं, मुझे इनके शरीर के अंदर से वो बॉटफ्लाइज निकालने होंगे। डायना मन ही मन मंत्र फुसफुसाने लग जाती है। अभिमन्यु कायर के हाथों में वो दोनों पॉलीथीन थमाने ही वाला था कि उसी वक्त डायना की चोटी तेजी के साथ उसकी कमर पर लहराती है और लहराते हुए दो हिस्सों में बट जाती है। डायना की चोटी अपने आप लंबी होती है और सीधे कान के जरिए होते हुए कायर और कछुए के शरीर के अंदर घुसने लग जाती है। कछुआ और कायर दोनों दर्द से कराह उठते हैं। कछुआ डायना को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, गद्दारी, अब तू देख। कछुआ कुछ करने ही वाला रहता है कि तभी अभिमन्यु अपना एक कदम आगे बढ़ाकर सीधे अपनी लात कछुए के सीने पर दे मारता है, जिस कारण कछुए का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। उसी वक्त यामिनी भी अपने कदम आगे बढ़ाती है और बिंदु को अपनी तरफ खींच लेती है, जिस कारण वो कछुए की गिरफ्त से दूर हो जाती है। युग डायना से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो डायना, ऐसा मत करो। डायना युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, मन ही मन मंत्र पढ़ती रहती है। डायना की चोटी दो हिस्सों में बटकर कछुए और कायर के कान के अंदर घुसकर सीधे उनके दिमाग के अंदर चली जाती है और दिमाग के अंदर होते हुए ही आंख के पास जाने लग जाती है जहां वो बॉटफ्लाई थे।
चोटी कान के अंदर घुसने के कारण कायर और कछुआ दोनों दर्द से कराहने लग गए थे। वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। यामिनी मौके का फायदा उठाकर कछुए के हाथ से उसका नाखून भी छीन लेती है, जिसे कछुए ने तलवार में बदल दिया था। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था डायना क्या करने की कोशिश कर रही है। हर कोई हैरानी के साथ उसे ही देखते जा रहा था और डायना थी कि मंत्र बड़बड़ाने में लगी हुई थी। डायना की चोटी कायर और कछुए के कान में घुसकर उनकी आंखों के पास पहुंचती है कि तभी वो बॉटफ्लाइज उनकी आंख के हिस्से से हटकर उनके शरीर के अंदर ही दूसरे हिस्से में जाने लग जाता है, जैसे वो बॉटफ्लाइज खुद डायना की चोटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। डायना की चोटी भी उन बॉटफ्लाइज का पीछा कायर और कछुए के शरीर के अंदर ही करने लग जाती है। वो बॉटफ्लाइज कभी कायर और कछुए के शरीर के अंदर उनके मुंह के हिस्से की तरफ जाते हैं तो कभी पेट की तरफ। वो दोनों बॉटफ्लाइज कायर और कछुए के शरीर के अंदर ही यहाँ वहां जाने लग गए थे। डायना की चोटी भी उन्हीं का पीछा करती है और देखते ही देखते डायना की दोनों चोटी के सिरे सांप के मुंह की तरह खुलते हैं और उन दोनों बॉटफ्लाइज को खा जाती है। डायना की चोटी वापस से कायर और कछुए के शरीर के अंदर से कान से होते हुए ही वापस आ जाती है। कायर और कछुआ मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं, जैसे उनमें जान ही ना हो। जैसे ही डायना की चोटी के दोनों सिरे बाहर आते हैं, चोटी के सांप का मुंह खुलता है। वो दोनों बॉटफ्लाइज कमरे के अंदर उड़ने लग जाते हैं। डायना कसकर चीखते हुए कहती है, मारो इन बॉटफ्लाइज को, तभी कायर और कछुआ सही होंगे। यही इनके अंदर घुसकर बैठे हुए थे जो इन्हें चला रहे थे। अभिमन्यु, युग, यामिनी, बिंदु चारों समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। डायना फिर कसकर चीखते हुए कहती है, मारो अभी युग, यामिनी, इन्हें। वो दोनों बॉटफ्लाइज जिस भी तरफ से उड़ रहे थे, हर कोई उन्हें मारने की कोशिश करने लग जाता है, पर कोई उन्हें मार ही नहीं पाता है। अभिमन्यु समझ जाता है कि वो बॉटफ्लाइज ऐसे नहीं मरने वाले हैं। अभिमन्यु मन ही मन मंत्र पढ़ता है और अगले ही पल एक अस्त्र के अंदर से हरी रोशनी निकलती है, जो सीधे जाकर एक बॉटफ्लाई पर पड़ती है और वो बॉटफ्लाई उसी वक्त मर जाता है। एक अस्त्र का यूज करने के कारण अभिमन्यु पर फिर ऑपोजिट असर होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। डायना कसकर चीखती है, अभी। उन बॉटफ्लाइज के मरते ही कायर के शरीर में वापस से जान आ जाती है। कायर भागते हुए बिंदु के पास जाता है और उससे कहता है, मेरी बिंदु। बिंदु समझ जाती है कि कायर ठीक हो चुका है, पर कछुआ अभी भी मूर्ति बनकर खड़ा हुआ है। एक बॉटफ्लाई तो मर गया था, पर दूसरा अभी भी कमरे के अंदर ही यहाँ वहां उड़ता रहता है। एक बॉटफ्लाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख युग को उसके शरीर के अंदर अजीब सा दर्द होने लग जाता है, जैसे अभिमन्यु ने बॉटफ्लाई को नहीं बल्कि उसके किसी शरीर के अंग पर मारा हो। वो दूसरा बॉटफ्लाई जो हवा में उड़ रहा है, वो युग के आसपास ही मंडरा रहा होता है। युग के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिससे वो आसानी से उस बॉटफ्लाई को मार सकता था, पर वो था कि कुछ कर ही नहीं रहा था। यामिनी कसकर चीखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं युग बाबू, मारिए उस बॉटफ्लाई को। युग कुछ जवाब नहीं देता है, मूर्ति बनकर ही खड़ा रहता है। कायर भी कसकर चीखते हुए कहता है, मार उसे युग। अभिमन्यु के हाथ भी कांपने लग गए थे। दोबारा एकास्त्र का उपयोग करने से वो जान गया था कि एकास्त्र की काली शक्तियों का वापस से उसके शरीर पर बुरा असर हुआ है, इसलिए डायना ने उसे एकास्त्र का उपयोग करने के लिए मना किया था, पर उसने इस्तेमाल कर दिया था। डायना अभिमन्यु के पास ही बैठी हुई थी, पर अभिमन्यु के हाथ कपकपाते हुए देख वो इतना घबरा जाती है कि उसका दिमाग ही नहीं चलता कि वो क्या करे। यामिनी फिर चीखते हुए युग से कहती है, मारिए उसे युग बाबू। युग अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये देखकर यामिनी को गुस्सा आ जाता है और यामिनी हड़बड़ाहट के साथ मंत्र पढ़ती है, और उसके मंत्र पढ़ते ही कमरे के अंदर मौजूद खिड़की से ढेर सारे जुगनू आने लग जाते हैं। वो जुगनू एक बड़े से जुगनू में बदलते हैं और उस छोटे से बॉटफ्लाई को अपने पैर से ही रौंद देते हैं। जैसे ही वो दूसरा बॉटफ्लाई मरता है, युग को वापस से वैसे ही दर्द का एहसास होता है जैसे पहले बॉटफ्लाई के मरने पर हुआ था। वो सारे जुगनू वापस चले जाते हैं। दूसरे बॉटफ्लाई के मरते ही कछुए के अंदर भी वापस से जान आ जाती है। कछुआ जब अपने सारे दोस्तों को वहां पर देखता है तो उसकी आंखें नम होने लग जाती हैं। कछुआ अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। ये सब मैंने नहीं, उस काले साय ने मुझसे करवाया था, वरना मैं भला तुम लोगों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। कछुए के मुंह से ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि कछुआ भी ठीक हो चुका है, अब उस पर किसी का वश नहीं है। कायर और कछुए के ठीक होते ही सब लोग चैन की सांस लेने लग जाते हैं। सबके चेहरे पर एक सुकून नजर आने लग जाता है। डायना अभिमन्यु से पूछती है, अभी तुम ठीक हो ना? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ डायना, मैं ठीक हूँ। हम जीत गए डायना, तुमने कमाल कर दिया।
अगर तुम नहीं होती तो आज हम कायर और कछुए को हमेशा हमेशा के लिए खो देते। डायना बड़े प्यार से कहती है, मैं ऐसे कैसे इन्हें खोने देती अभी, आखिर कायर और कछुआ मेरे भी तो दोस्त हैं। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो डायना, पता नहीं गुस्से गुस्से में मैंने तुमसे क्या क्या बोल दिया। डायना पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अभिमन्यु बड़े प्यार से कहता है, मुझे तुमसे अच्छा हमसफर कोई नहीं मिल सकता डायना, पता नहीं अंत तक मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, पर अगर मैं जिंदा रहा तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब डायना अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। अभिमन्यु डायना को देखते हुए ही कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं डायना, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो वो लव्स थे जो डायना अभिमन्यु के मुंह से सुनना चाहती थी, और आज आखिर अभिमन्यु ने डायना से अपने प्यार का इजहार भी कर ही दिया था। अभिमन्यु कुछ हिचकिचाहट के साथ फिर बोल पड़ता है, तुम चुप क्यों हो डायना, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डायना खुशी से झूमते हुए कहती है, हाँ हाँ अभी मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर डायना अगले ही पल अभिमन्यु को अपनी बाहों में भर लेती है। अभिमन्यु भी डायना को अपने सीने से लगा लेता है। अभिमन्यु डायना से कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा डायना, देखना तुम। डायना कुछ गुस्से के साथ कहती है, सब कुछ ठीक होगा नहीं अभी, हमें सब कुछ ठीक करना होगा, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, पर पहले हमें घर के भेदी से लड़ना होगा। अभिमन्यु को डायना की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, इसलिए वो डायना को अपनी बाहों से दूर करने लग जाता है। अगले ही पल डायना अभिमन्यु को सहारा देती है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। डायना सीधे युग के पास जाती है जो मूर्ति बनकर वहीं पर खड़ा हुआ था। युग के पास ही यामिनी भी खड़ी हुई थी। डायना गुस्से के साथ कहती है, युग तुम किसकी तरफ हो, तुम हमारे साथ हो या फिर उस काले साई के साथ? युग पलट कर कहता है कि तुम कैसे सवाल पूछ रही हो डायना, जाहिर सी बात है मैं तुम लोगों के साथ हूँ डायना। डायना चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम हमारे साथ हो युग, जब से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते ही नहीं हो कि हम लोग जीते। पहले तुमने कमरे में आने में देर कर दी, उसके बाद खुद कायर और कछुए को वो बॉटल देने के लिए कह रहे थे, और फिर वो बॉटफ्लाई जब तुम्हारी आंखों के सामने रुका हुआ था तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं? युग चुप ही रहता है। डायना फिर गुस्से के साथ कहती है, बोलो युग तुमने उस बॉटफ्लाई को क्यों नहीं मारा, क्यों बुद्ध बनकर खड़े रहे? युग अभी भी कुछ नहीं कहता है। डायना खुद ही बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ तुमने उसे क्यों नहीं मारा, क्योंकि अगर तुम उस बॉटफ्लाई को मार देते तो तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो जाती, आखिर तुम भी तो एक भक्षानर के वंशज ही हो, तुम्हें भी तो उसी बॉटफ्लाई से शक्ति मिलती है। युग चुप ही रहता है। डायना फिर बोल पड़ती है, युग तुमने ये तो सोच लिया कि अगर तुम उस बॉटफ्लाई को मारोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, पर तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम उन बॉटफ्लाई को मार दोगे तो तुम्हारे दोस्त तो बचेंगे ही, साथ में वो काला साया भी कमजोर पड़ेगा। युग अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े रहता है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन बातों से कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसकी नजरें तो अभी भी उन कटोरों की तरफ रहती है जिसमें खून भरा हुआ है। डायना कुछ कहती उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, बस करो डायना, युग बाबू पर इल्जाम लगाना बंद करो। डायना गुस्से के साथ कहती है, इल्जाम नहीं लगा रही हूँ यामिनी, वही कह रही हूँ जो सच है, पर तुम तो प्यार में अंधी हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें सच नजर ही नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा कैसे ये युग उस काले साए का साथ दे रहा है। यामिनी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, प्यार करती हूँ इसलिए युग बाबू पर मुझे पूरा भरोसा है, वो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, देखना तुम जल्द ही गलत साबित होगी। कायर हड़बड़ाहट के साथ बीच में बोल पड़ता है, नहीं नहीं युग उस काले साए का साथ नहीं दे रहा है। डायना कहती है, तुम कैसे कह सकते हो कि युग उस काले साए का साथ नहीं दे रहा है? कछुआ बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि वो काला साया तो खुद युग को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बार युग ने हम लोगों का साथ दिया था उसके खिलाफ जाकर, उसने ही तो अनुराग अंकल का शरीर उससे छुड़वाया था, वरना वो आज और ताकतवर होता। डायना पूछती है, ये बात तुम्हें कैसे पता? कायर कहता है, उस काले साय ने ही हमें ये बात बताई थी। युग पूछता है, और क्या क्या पता है तुम्हें? अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कायर और कछुए से पूछता है, क्या तुम्हें ये पता है वो काला साया इन बॉटलों का क्या करता है, इससे वो कैसे कालगढ़ बनाने वाला है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।
अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ कायर और कछुए से पूछता है, क्या तुम्हें ये पता है वो काला साया इन बोतलों का क्या करता है? इससे वो कैसे कालगढ़ बनाने वाला है? कायर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। काले साये ने कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। कछुआ भी बोल पड़ता है, पर हाँ, इतना पता है जब भी हम उस काले साये को ये बोतल लाकर देते थे, तो वो काला साया इन बोतलों को लेकर सुनहरे द्वार से कहीं जाता था, और जब वो वापस आता था, तो उन बोतलों के आसपास ढेर सारा धुआं छाया रहता था, जिस कारण हम देख ही नहीं पाते थे कि उस बोतल के अंदर क्या है, या वो काला साया उन बोतलों के साथ क्या करके आया है। कछुआ फिर बोल पड़ता है, वो काला साया उन बोतलों को हमें बर्फ से ढकी गुफा के अंदर रखने के लिए बोल देता था। वहीं पर सारी बोतलें रखती थी, पर उन सारी बोतलों के आसपास भी ढेर सारा धुआं छाया करता था। पर शायद प्रशांत अंकल को पता था कि उन बोतलों में क्या है, लेकिन उन्होंने कभी हमें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बस उस काले साये से बात करते थे और उसी का आदेश माना करते थे। वहां पर बस कायर और मैं ही ऐसे थे जो एक दूसरे से बात किया करते थे, बाकी के मुर्दे तो बस मुर्दों की तरह खड़े ही रहते थे। कायर और कछुए के जवाब सुनकर सबके मुंह उतर जाते हैं। कायर कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, पर हाँ, हमें ये पता है कि वो काला साया हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात उन बोतलों को उस गुफा से बाहर निकलवाया करता था और फिर शक्ति स्थितम साधना किया करता था। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, शक्ति स्थितम साधना तो तब की जाती है जब हमें किसी चीज की शक्ति को बनाए रखना होता है। कछुआ कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा यामिनी, क्योंकि ये जो बोतलें हैं इनकी शक्ति अपने आप रखे रखे कम होती है, और जिसे बनाए रखने के लिए ही वो काला साया शक्ति स्थितम साधना करता था। कछुआ की बात सुनकर यामिनी को समझ आ जाता है कि जिस रात कामेश्वरी यक्षिणी आजाद हुई थी, उस रात काले साये ने प्रशांत से उसकी बोतल मंगवाई थी उस बोतल की शक्ति बनाए रखने के लिए, तभी तो पलक उस बोतल को लेकर वहां से भाग पाई थी। अभिमन्यु अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, ये बोतलें जो तुम अभी अभी अदृश्य कमरे से लेकर आए हो, ये तो सालों से यहाँ पर रखी हुई हैं। उस काले साये ने इन बोतलों के साथ तो शक्ति स्थितम साधना नहीं की है, तो फिर क्या इन बोतलों की शक्ति कम नहीं हुई होगी? कछुआ अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यही तो खासियत अभिमन्यु अदृश्य कमरे की। तुम्हें तो पता ही होगा कि अदृश्य कमरे में किसी की शक्ति काम नहीं करती। जब शक्तियां काम ही नहीं करती तो शक्ति कम कैसे होगी? वो शक्तियां स्थिर रहती है। तभी उस काले साये ने सालों से इन बोतलों को यहाँ पर रखा था। युग तुरंत कछुए से पलट कर पूछता है, पर वो काला साया तुमसे हर बार सिर्फ एक या दो बोतलें क्यों मंगवाया करता था? एक साथ पूरी क्यों नहीं मंगवा लेता था? कछुआ कहता है, ये हमें नहीं पता युग, पर इसके पीछे भी कोई ना कोई राज तो है ही। युग का मुंह उतर जाता है, क्योंकि यही वो सवाल था जिसका जवाब वो जानना चाहता था, जो उसे नहीं मिला। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, पर हाँ, मुझे ये पता है कि क्यों उस काले साये ने हमें मारकर मुर्दों की सेना में शामिल नहीं किया, क्यों अभी तक मुझे और कायर को जिंदा रखा। बिंदु पूछती है, क्यों कछुआ? कछुआ जवाब देता है, क्योंकि उसे हमारी जरूरत है। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, जरूरत? कैसी जरूरत? कछुआ कहता है, रुको, मैं तुम सबको सब कुछ बताता हूँ, तभी तुम्हारे कुछ समझ आएगा। इसी के साथ कछुआ सबको सब कुछ बताने लग जाता है। वो बता देता है कि कैसे अमावस्या की रात को वो युग का पीछा करते हुए रूम नंबर 666 में गया था और वहां पर क्या हुआ था। सब जान जाते हैं कि युग ने उस रात कछुए को नहीं मारा था, बल्कि काले साये ने उसकी गर्दन पर वार किया था। कछुआ एक लंबी आह अपने सीने के भीतर भरता है और बोल पड़ता है, युग, जब वो काला साया मुझे ग्रेवयार्ड कोठी से ले गया था, तब उसके बाद। इसी के साथ कछुआ अतीत की यादों में चला जाता है। इस वक्त काला साया उस जगह पर था जहां पर वो कालगढ़ बना रहा था। उसने अपने हाथ में एक बोतल पकड़ कर रखी हुई थी, वही बोतल जो वो ग्रेवयार्ड कोठी से लेकर आया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, और ये मुस्कान थी जीत की, खुशी की। काले साये के कदमों में ही कछुआ पड़ा हुआ था, जो दर्द से तड़पे जा रहा था। कछुए के गले से खून निकल रहा था, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। काला साया कछुए को ऐसे तड़पते हुए देख हंसते हुए कहता है, जरा देखो तो कैसे तड़प रहा है, पानी से बाहर निकाली हुई मछली की तरह। पर तू तो कछुआ है, मछली थोड़ी जो इस तरह तड़प रहा है। कछुआ दर्द से कराहते रहता है, अपने हाथ पैर यहाँ वहां मारते रहता है। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है,
मुझे तो कालगढ़ बनाने के लिए तेरी जरूरत पड़ने ही वाली थी कछुआ, पर तू तो मेरे हाथ वक्त से पहले ही लग गया। काला साया कुछ गुस्से के साथ कहता है, मन तो कर रहा है कि मैं तुझे मार दूं, पर क्या करूं, तू मेरे बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकता, मुझे तुझे अंत तक जिंदा रखना है। काला साया कछुए के आसपास घूमते हुए कहता है, सोच रहा हूं तुझे अपने वश में कर लूं, पर तुझे तो पता ही है वशीकरण एक ना एक दिन टूट जाता है, इसीलिए मैं तेरे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि फिर तू जिंदगी भर बस मेरा गुलाम बनकर रह जाएगा, मेरे इशारों पर नाचेगा। काला साया हंसते हुए कहता है, वशीकरण तोड़ा जा सकता है, पर एक सेवक को नहीं तोड़ा जा सकता। इतना कहकर काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है, और उसके मंत्र पढ़ने के बाद ही वहां पर एक बॉटफ्लाई आ जाता है और कछुए के आसपास ही उड़ते हुए मंडराने लग जाता है। काला साया उस बॉटफ्लाई से कहता है, जा जाकर पी ले, पर बस एक बूंद ही पीना, मुझे इसके खून की जरूरत पड़ेगी। वो बॉटफ्लाई कछुए का खून जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसे पीने लग जाता है। काला साया बॉटफ्लाई से कहता है, बस बस बहुत हुआ, अब सीधे जाकर इसके दिमाग के अंदर बैठ जा, अब से तू ही इसे चलाएगा, शरीर कछुआ का होगा पर दिमाग मेरे बॉटफ्लाई का। वो बॉटफ्लाई कछुए का गला जहां से कटा हुआ था उसी से उसके शरीर के अंदर घुसने लग जाता है। कछुआ दर्द से कराहते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं। वो बॉटफ्लाई कछुए के शरीर के अंदर घुस जाता है और अगले ही पल वो बॉटफ्लाई कछुए की एक आंख के अंदर नजर आने लग जाता है। काला साया एक और मंत्र पढ़ता है जिससे कछुए का गला अपने आप सुई से सिलने लग जाता है, जैसे कोई उसके गले में टांके लगा रहा हो। कछुए से यह दर्द सहन नहीं होता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब कछुआ ठीक होता है तो वो उठते ही काले साये के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काला साया हंसते हुए कहता है, ये हुई ना बात कछिंदर, आज से तू मेरा गुलाम है और वो युग तेरा दुश्मन। कछुआ कहता है, आप कहें तो मैं उस युग को मार दूं काल स्वामी। काला साया हंसते हुए कहता है, मारना तो मैं भी चाहता हूं पर अभी नहीं, अभी बहुत काम है, पर अब उन काम में तू मेरा हाथ बटाएगा, इसलिए तो तुझे जिंदा रखा है मैंने। कछुआ पूछता है, कैसा काम काल स्वामी? काला साया कहता है, पूर्णिमा आने दे, फिर मैं तुझे सब बता दूंगा, फिर उसके बाद तुझे हर अमावस्या और पूर्णिमा को मेरे लिए वही काम करना है। कछुआ चुप ही रहता है। काला साया पालथी मार कर जमीन पर बैठता है, मन ही मन मंत्र पढ़ता है और आसमान में सुनहरा द्वार नजर आने लग जाता है, और अगले ही पल काला साया वो बॉटल लेकर उस सुनहरे द्वार के अंदर घुस जाता है। इसी के साथ कछुआ अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो रूम नंबर 666 के अंदर सबके साथ खड़ा हुआ था और सबको बता रहा था कि काले साये ने उसके साथ क्या किया था। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस रात के बाद से ही मैं पूर्णिमा का इंतजार करने लग गया, और जब पूर्णिमा की रात आई तो उस काले साये ने मुझे काम सौंपा। उसने बताया कि मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में अदृश्य कमरे के अंदर जो बॉटलें रखी हुई हैं वो लेकर आनी है। पहली बार वो खुद मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी आया था। युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कछुए से कहता है, क्या कहा, वो काला साया खुद तेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी आया था? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, वो खुद आया था, वो भी इसलिए ताकि मुझे बता सके कि किस तरह चोरी छुपे ग्रेवयार्ड कोठी आना है, कहां पर कौन सा मंत्र पढ़ना है, कैसे द्वार खुलेगा कैसे बंद होगा, किस तरह से बॉटल को उठाना है और वापस आना है। इतना कहकर कछुआ चुप हो जाता है। जैसे ही कछुआ चुप होता है कायर बोल पड़ता है, और उसी पूर्णिमा की रात में बिंदु से झगड़ा करके कुटिया से निकला था ग्रेवयार्ड कोठी आने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर युग ने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है, क्यों कोई दोस्त मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। कछुआ फिर बोल पड़ता है, वो रात मुझे आज भी याद है जिस रात कायर हमारे साथ हुआ था, उस रात। इसी के साथ कछुआ अतीत की यादों में चले जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाता है जब वो पूर्णिमा की रात पहली बार बॉटल लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी आया था। इस वक्त वो रूम नंबर 666 के अंदर काले साये के साथ मौजूद था। काले साये ने अपने हाथ में एक बॉटल पकड़ी हुई थी जो वो अदृश्य कमरे से लेकर आए थे। वो बॉटल लाल रंग से चमक रही थी जैसे उसके अंदर आग की शक्ति हो।
काला साया कछुए से कहता है, कछिंदर तूने मंत्र अच्छे से याद कर लिए है ना कि किस मंत्र से आना है और किस मंत्र से जाना है। कछुआ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ काल स्वामी मैंने सारे मंत्र कंठस्थ कर लिए हैं, आखिर मैं एक सौदाया जो हूँ। काला साया हंसते हुए कहता है, तू सौदाया है तभी तो मैंने तुझे ये काम सौंपा है। कछुआ चुप ही रहता है। काला साया फिर कहता है, चल अब चलते हैं, 12 बजने वाले और 12 बजे के बाद मुझे कहीं और जाना है एक काम को अंजाम देने के लिए। इतना कहकर काला साया कुछ करने ही वाला था कि तभी एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग युग कहाँ है तू, बाहर आ, तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, कहाँ पर है सब। कछुआ उस आवाज को सुनते हुए कहता है, ये तो कायर की आवाज है। काला साया चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहता है, ये कायर तो तेरा जिगरी दोस्त है ना, तेरा दोस्त एकदम सही वक्त पर आया है। बताओ वो युग वहां घाट पर किसी का शिकार कर रहा होगा और ये कायर यहां पर आया है हमारा शिकार बनने के लिए। काला साया कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, तू मारेगा ना उसे। कछुआ हां में अपना सिर हिला देता है। काला साया हंसते हुए कहता है, तू जा मार दे। कछुआ और काला साया दोनों कमरे से बाहर जाने लग जाते हैं। जब वो कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नीचे हॉल में ही कायर खड़ा हुआ है जो बार बार युग को पुकारे जा रहा है। कायर युग को फिर पुकारते हुए कहता है, युग मैं कहता हूँ सामने आ, कहाँ छुप कर बैठा है। कायर ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर कॉरिडोर पर पड़ती है और वो देखता है कि वहां पर दो शख्स खड़े हुए हैं, पर अंधेरा होने के कारण कायर को उनके चेहरे नजर नहीं आते हैं। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, कौन है वहां। कछुआ अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और कायर को कछुए का चेहरा दिखने लग जाता है। कछुआ को इतने महीने बाद देखकर कायर की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कायर नीचे से ही चीखते हुए कहता है, कछुए मेरे दोस्त मेरे भाई, तू तो यहीं पर है, तू कहीं नहीं गया, फिर सब लोग ये क्यों बोल रहे थे कि तुझे युग ने मार दिया, तू तो जिंदा है। कछुआ भारी आवाज में कहता है, मैं तो जिंदा हूं पर अब तू जिंदा नहीं बचेगा। कायर पलट कर कहता है, तेरी ये मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई ना, ये सब छोड़ और ये बता युग कहां पर है, ये तेरे बगल में कौन खड़ा हुआ है, ये युग है क्या। कायर के इतना कहते ही काला साया भी अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अंधेरे में कायर को काले साये की पीली आंखें चमकती हुई नजर आने लग जाती हैं, साथ में आसपास उड़ता हुआ धुआं भी। कछुए को काले साये के साथ देखकर कायर के होश उड़ जाते हैं, वो डर से कांपने लग जाता है। कायर डर से हकलाते हुए कहता है, ये तो वो काला साया है। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, काला साया नहीं काल स्वामी बोल मूर्ख। जब कायर कछुए के मुंह से ये बात सुनता है तो सारा मामला समझ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, तू इस काले साये के साथ मिला हुआ है, ये गलत है, गलत है ये, तू इसका साथ कैसे दे सकता है, तू भूल गया इसने हमारे साथ क्या किया है। कछुआ पलट कर कहता है, हाँ सब कुछ भूल गया, पर याद है तो बस ये कि तुम सब मेरे दुश्मन हो और मुझे तुम सबको खत्म करना है। कायर समझ जाता है कि कछुआ उस काले साये के वश में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है और उसे समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाने की सोचता है और वहां से भागने लग जाता है। कायर ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला होता है कि काला साया अपनी शक्तियों से ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को बंद कर देता है, जिस कारण कायर बाहर ही नहीं निकल पाता है। काला साया कछुए से कहता है, जा और जाकर अब खेल शुरू कर। कछुआ तुरंत नीचे जाता है और कायर से लड़ने लग जाता है। कायर भी कछुए का सामना करने लग जाता है। लड़ते हुए कायर कछुए को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कछुआ कायर की एक बात नहीं सुनता है, उसे मारते रहता है। कछुआ लगातार कायर के चेहरे पर मुक्के मारते जा रहा था और कायर दर्द से कराहते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कछुआ कायर का मुंह तोड़ कर रख देगा। कछुए के अंदर कायर को मारने का जुनून सवार था, जैसे वो उसे मारकर ही दम लेगा। कायर दर्द से कराहते हुए कहता है, ये क्या कर रहा है कछुआ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे मार रहा है, ऐसा मत कर। कछुआ एक नहीं सुनता है, कायर को मारते रहता है। कायर दर्द से तड़पने लग जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्द अब अपना दम तोड़ देगा। कछुआ कायर को पूरी तरह मारता उससे पहले ही काला साया बोल पड़ता है, रुक जा कछिंदर, बस बहुत हुआ।
कछुआ रुक जाता है और सीधे खड़े हो जाता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, तू तो इसे सच में ही मारने लग गया, ये भी युग का करीबी दोस्त है ना? कछुआ हाँ में अपना सिर हिला देता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, उस युग ने मुझे तारा को यहाँ से ले जाने से रोका था, सिर्फ तारा को नहीं अनुराग का शरीर भी, अब उसी के दोस्त मुझे मेरे मकसद को पाने में मदद करेंगे। कछुआ कहता है, पर काल स्वामी आप तो इसे मारना चाहते हैं। काला साया कहता है, मारेंगे कछेंदर, इसे भी जरूर मारेंगे, पर तुझे मैंने बताया था ना मैं कालगढ़ बना रहा हूँ। कछुआ कहता है, हाँ बताया था काल स्वामी। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, और वो कालगढ़ जब बन जाएगा तो उसे सिद्ध करने के लिए मुझे एक सौदाई और एक इंसानी प्रेमी जोड़े की खून की जरूरत पड़ेगी, तभी कालगढ़ सिद्ध होगा। कछुआ चुप ही रहता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैंने सुना है कि ये कायर बिंदु से बहुत प्रेम करता है। कायर दर्द से कराहते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरी बिंदु को कुछ मत करना। काला साया कहता है, डर मत कायर, अभी हम उसे कुछ नहीं करेंगे, पर अंत में हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्या है ना, कालगढ़ बनाने के लिए ताजा खून चाहिए होता है, अभी से निकाल कर रखूंगा तो खून बासी हो जाएगा, इसलिए उसी वक्त मैं तुझे भी मारूंगा, तेरी प्रेमिका को भी और इस कछेंदर को भी, तीनों के खून का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। मैं तुझे भी मारूंगा, तेरी प्रेमिका को भी और इस कछेंदर को भी, तीनों के खून का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। काले साये की हंसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। काला साया एक लंबी आह भरते हुए कहता है, तू और कछेंदर बड़े जिगरी दोस्त हो ना, और अब ये दोस्ती तुम दोनों मेरे लिए निभाओगे। वो काम जो मैंने कछेंदर को सौंपा है, उस काम में तू भी इसकी मदद करेगा। तू भी इस कछेंदर के साथ इस ग्रेवयार्ड कोठी में आएगा मेरे लिए बॉटल लेने के लिए। तू भी मेरे लिए सेवक की तरह काम करेगा। कायर दर्द से कराहते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। काला साया हंसते हुए कहता है, देखता हूं तू मेरा काम कैसे नहीं करेगा। इतना कहकर काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है और वो उसी तरह कायर को भी अपना सेवक बना लेता है जिस तरह उसने कछुए को बनाया था। बस इस पर बॉटफ्लाई कायर के कान से उसके शरीर के अंदर जाता है और उसके दिमाग के अंदर जाकर बैठ जाता है, जिसकी झलक कायर की आंख की पुतली में नजर आने लग जाती है। कायर वापस से अपनी जगह पर खड़ा होता है और काले साये के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। काला साया हंसने लग जाता है और उसकी हंसी सुनते ही कायर और कछुआ अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त कायर और कछुआ रूम नंबर 666 के अंदर थे और दोनों ने मिलकर सबको बता दिया था कि कैसे काले साये ने उन दोनों को अपना गुलाम बनाया था। कायर अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, बस फिर उसी रात से वो काला साया मेरा काल स्वामी बन गया और मैं उसकी बात मानने लग गया। वो काला साया कछुआ और मुझे हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात ग्रेवयार्ड कोठी भेजता उस निशान के जरिए, और हम उसके लिए वो बॉटल लेकर यहाँ से जाते थे। कायर की सारी बात सुनने के बाद अभिमन्यु हैरानी के साथ कायर से कहता है, इसका मतलब उस काले साये ने तुम दोनों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि कालगढ़ सिद्ध करने के लिए उसे तुम्हारे खून की जरूरत है। कायर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, सिर्फ हम दोनों के खून की नहीं बल्कि बिंदु के खून की भी। कायर की ये बात सुनते ही बिंदु के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है, वो कांपने लग जाती है। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैं उस काले साये को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे दोस्तों को सताया है, मैं भी उसे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। युग ने ये कहा ही था कि तभी एक डरावनी आवाज सबको सुनाई देती है, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ युग, तू मुझे क्या मारेगा। इसके साथ ही एक डरावनी हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। कायर हकलाते हुए डर के साथ कहता है, वो आ गया, अब वो सबको मार देगा, ये उसी की आवाज है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ।
सब लोग अपने आसपास देखने लग जाते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी काला साया नजर नहीं आता है। लेकिन उसकी हंसी कमरे के अंदर गूंजती रहती है। यू कभी भी अपने आसपास देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर फर्श पर ट्रायंगल के अंदर जो निशान बना हुआ था उस पर पड़ती है, और वो देखता है कि आंख की पुतली के अंदर से ढेर सारा धुआं निकल रहा है और वो कमरे के अंदर फैल रहा है। उस पुतली में से सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि ढेर सारे बॉट फ्लाई भी निकलने लग जाते हैं। युग एक खौफ के साथ खुद ही बोल पड़ता है, वाह क्या। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर चैटर्जी एक साथ कई सारे मुर्दों से लड़ते जा रहा था। उन मुर्दों से लड़ते हुए चैटर्जी थकने लग गया था। वो बार बार हांफे जा रहा था। लड़ाई करते हुए उसे भी कई सारी चोटें आई थी। उसके हाथ पैर पर कई सारी खरोचे लगी हुई थी जहां से खून निकल रहा था। उसके पूरे कपड़े लहूलुहान हो गए थे, पर तब भी वो रुका नहीं था, लगातार लड़ते जा रहा था। उसने कई सारे मुर्दों का नरसंहार किया था और अब बस 20-25 मुर्दे बचे हुए थे। उन मुर्दों ने चैटर्जी को चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे मुर्दे एक साथ चैटर्जी पर वार करने वाले हो। चैटर्जी मन में सोचता है, तुझे लड़ना होगा चैटर्जी, तू इतनी जल्दी नहीं थक सकता, तुझे इनसे लड़ना होगा। अगर ये लोग अंदर चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, तुझे इन्हें अंदर जाने से रोकना होगा, लड़ना होगा। चैटर्जी गुस्से के साथ उन मुर्दों को ललकारते हुए कहता है, आओ लड़ो मुझसे, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब वो काला साया मेरी बलि नहीं चढ़ा पाया तो तुम क्या चढ़ा पाओगे? माँ काली का वरदान है मुझे, जय माँ काली। इतना कहकर चैटर्जी उन मुर्दों पर टूट पड़ता है। वो सारे मुर्दे भी एक साथ चैटर्जी पर वार करने लग जाते हैं, पर जैसे ही चैटर्जी का वज्र उन मुर्दों को लगता है, वो मुर्दे जलकर खाक होने लग जाते हैं, दर्द से तड़पने लग जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रूम नंबर 666 में खौफ का मंजर छाया हुआ था। फर्श पर ट्रायंगल के अंदर बनी आग के अंदर से लगातार धुआं और बॉट फ्लाइज निकलते जा रहे थे। कमरे के अंदर इतने सारे बॉट फ्लाइज और धुआं फैला हुआ था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। हर कोई उस धुएं और बॉट फ्लाइज के बीच काले साए को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। कायर, बिंदु और कछुए के अंदर खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। बिंदु तो डर के कारण रोने ही लग गई थी। युग गुस्से के साथ बोल पड़ता है, सामने आ भक्षानर, सामने आ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सामने आ। जैसे ही युग ये बात बोलता है, काले साए की डरावनी हंसी जो कमरे के अंदर गूंज रही थी वो गूंजना बंद हो जाती है, और कमरे के अंदर फैला धुआं और बॉट फ्लाइज एक जगह पर जमा होने लग जाते हैं, और देखते ही देखते उन सब के सामने काला साया आ जाता है जिसकी आंखें पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। काला साया बारी बारी कमरे के अंदर मौजूद सभी लोगों को देखने लग जाता है। युग, यामिनी, डायना और अभिमन्यु गुस्से के साथ उस काले साए को घूरते हैं, जैसे उनके अंदर उस काले साए के लिए जरा सा भी डर ना हो। डर था तो सिर्फ और सिर्फ कायर, कछुआ और बिंदु के मन में। उनकी आंखों में काले साए के लिए खौफ साफ नजर आ रहा था। काला साया कछुए और कायर की तरफ देखते हुए नाटक के साथ कहता है, तुम दोनों के सामने तुम्हारे काल स्वामी खड़े हुए हैं और तुम दोनों ऐसे चुप खड़े हुए हो, बोलते क्यों नहीं? बोलो, काल स्वामी का काला साया कायम रहेगी हमेशा आपकी माया। कायर और कछुआ डर से कांपते रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। काला साया कुछ सूंघते हुए कायर और कछुए से कहता है, तुम दोनों के अंदर से वफादारी की नहीं बल्कि बगावत की गंध आ रही है। काला साया डायना की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब इस डायन का किया धरा है ना, मैंने देखा था, मैंने सब कुछ देखा था, पर मुझे आने में देर हो गई, इस डायन की तो। इतना कहकर काला साया गुस्से के साथ डायना को घूरने लग जाता है। अभिमन्यु तुरंत डायना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो काले साए को बताना चाहता हो कि डायना को कुछ भी करने से पहले उस काले साए को उससे लड़ना होगा। काला साया अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, ओह तो तेरे अंदर का प्रेम भी डायना के लिए जाग गया, तुम दोनों भी तो एक प्रेमी जोड़ा हो। कालगढ़ बनाने के लिए मैं तुम दोनों के खून का चढ़ावा भी चढ़ा सकता था, पर क्या है ना, मुझे इंसानी प्रेमी जोड़ा चाहिए, और तू तो जानता ही है ये एक डायन है, मैं एक डायन का खून कालगढ़ बनाने के लिए नहीं चढ़ा सकता हूं। अभिमन्यु चुप ही रहता है। कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। उसी वक्त काले साए की नजर कमरे के अंदर मौजूद घड़ी पर पड़ती है जिसमें एक बज चुके थे। जब वो देखता है कि एक बज चुके हैं तो उसकी घबराहट कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आने लग जाती है।
काले साये को अभिमन्यु के हाथ में दो काली पॉलिथीन नजर आती है। उस पॉलिथीन को देखकर काला साया समझ जाता है कि उसी के अंदर सारी बोतलें रखी हुई हैं, क्योंकि जाते वक्त वैसी ही पॉलिथीन उसने कायर और कछुए को दी थी। काला साया अभिमन्यु से कहता है, ला अभिमन्यु वो पॉलिथीन मुझे दे दे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। पूर्णिमा शुरू हो चुकी है और पूर्णिमा शुरू होने के साथ ही कालगढ़ बनाकर सिद्ध करने का वक्त भी। युग तुरंत अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और गुस्से के साथ बोल पड़ता है, नहीं अभिमन्यु, इस भक्षानर के अंश को वो पॉलिथीन मत देना। काला साया युग की तरफ देखते हुए कहता है, अरे युग, मेरे पोते, मेरे बेटे, मेरे वंशज, मैं तो भूल ही गया था कि तू भी यहाँ पर है। युग चुप ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। काला साया फिर नाटकीय ढंग से युग से बोल पड़ता है, एक तो तू खुद ही मुझे पल पल की खबर देता है और अब खुद ही मुझे वो पॉलिथीन यहाँ से ले जाने से मना कर रहा है। काले साये की बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, हर कोई युग की तरफ देखने लग जाता है। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अगर तू नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि आजाद होने के बाद कामेश्वरी कहीं और नहीं अपनी बेटी यामिनी से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। अगर तू नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोगों ने तारा की शक्ति जागृत करने के लिए शंखरस तैयार किया है। अगर तू नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोग मुझसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो। मेरे खिलाफ मेरे ही हथियार से लड़ने की साजिश रची जा रही है। यामिनी को छोड़कर सब लोग युग को शक भरी निगाहों के साथ देखने लग जाते हैं। हर कोई युग पर गुस्सा होता है। डायना गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने कहा था ना अभी, ये युग हमें धोखा दे रहा है, देखा ना अब तूने। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए फिर युग से बोल पड़ता है, तूने ही तो मुझे बताया था कि तुम लोग कुल्हाड़ी लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी आ रहे हो। तेरे ही बताने पर तो मैंने उसी रात अदृश्य कमरे का द्वार बंद किया था ताकि तुम लोग उस रात वहां से सारी बोतलें ना निकाल लो और पूर्णिमा आने पर तुम्हें फिर यहां आना पड़े। युग हकलाते हुए कहता है, क्या कहा, मैंने तुझे ये सब बताया पर कब? युग का सवाल सुनकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। काला साया हंसते हुए ही युग को घूरते हुए कहता है, युग तू तो मेरे खिलाफ चले गया पर तेरा शरीर मेरे खिलाफ नहीं जा पाया। तेरे अंदर की बुराई मेरे खिलाफ नहीं जा पाई, वो आज भी मेरा साथ दे रही है, जानना चाहता है कैसे? युग एकटक काले साये को ही देखता रहता है, उससे कुछ कहता नहीं है पर उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ये राज जानने के लिए बेकरार है। काला साया युग को अपनी कलाई की तरफ देखने का इशारा करने लग जाता है जिस पर पांच निशान बने हुए हैं। इस वक्त उन पांचों निशान में से रोशनी नहीं निकल रही थी पर जैसे ही काले साये की नजर उन निशानों पर पड़ती है, सबसे आखिरी में ट्रायंगल के अंदर जो आंख का निशान था उसमें से रोशनी निकलने लग जाती है। वो निशान पीले रंग में चमकने लग जाता है। युग उस निशान की तरफ देखते हुए हैरानी के साथ काले साये से कहता है, मतलब इस निशान से? काला साया कहता है, हाँ युग, यही तो वो निशान है जो मुझे सब दिखाता है कि तेरे आसपास क्या चल रहा है। मैं सुन भले ही कुछ नहीं पाता हूँ पर देख सब कुछ पाता हूँ। तुझे बाकी के चारों निशानों का तो मतलब पता है पर इस निशान का मतलब नहीं पता ना? आज मैं तुझे इस निशान का मतलब भी बताता हूँ कि मैंने क्यों इस निशान को ही अपनी निशानी के लिए चुना। युग चुप ही रहता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, ये ट्रायंगल देख रहा है? ये ट्रायंगल नहीं है बल्कि हमारी काली दुनिया की तीन दिशाएं हैं। हमारी काली दुनिया में बस तीन दिशाएं होती हैं। तुम्हारे ईश्वर की तरह हमारी दुनिया में चौथी दिशा नहीं है। ये तीनों दिशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब तू काली दुनिया से तीनों ओर से घिरा हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर जो आंख है वो मेरी आंख है, यानी भक्षानर की आंख। वो मुझे सब कुछ दिखाती है। युग के अब समझ में आने लग गया था कि क्यों कभी भी उस आंख के निशान में से पीली रोशनी निकलने लग जाया करती थी, क्योंकि भक्षानर उस वक्त उसे देखा करता था कि वो क्या कर रहा होता था। भक्षानर की बात सुनकर डायना समझ जाती है कि वो गलत थी। युग भक्षानर के साथ मिला हुआ नहीं है, उसे अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। काला साया फिर खुद बोल पड़ता है, मुझे तो पहले से पता था कि तुम लोग यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर और कछुए के लिए मौजूद हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इन्हें मेरी कैद से आजाद कर लोगे। तुम लोग मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले। मैंने गलती की तुम्हें अपने सामने कम आंक कर, पर अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। चुपचाप ये बोतलें मुझे दे दो वरना सब मरोगे। यामिनी गुस्से के साथ कहती है,
वो बॉटलें तुझे नहीं मिलने वाली भक्शानर। काला साया यामिनी को देखते हुए कहता है, तू रोकेगी मुझे यामिनी? युग तुरंत बीच में बोल पड़ता है, वो नहीं, हम सब रोकेंगे भक्शानर तुझे, आज तेरा अंत है। काला साया नाटकीय ढंग से कहता है, ओ मेरा अंत है? ओ पर मेरा अंत करोगे कैसे? तारा की शक्ति तो जागृत ही नहीं हुई है। काले साय की डरावनी हंसी से फिर ग्रेवयार्ड कोठी गूंज उठती है। उसकी नजर पहले ही युग ने अपने दूसरे हाथ में जो कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी उस पर चली गई थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, ये कुल्हाड़ी मुझे पहले ही तुझसे छीन लेनी चाहिए थी। ये घमंड तेरे अंदर इस कुल्हाड़ी की वजह से ही आया है ना? तुझे लगता है कि तू इस कुल्हाड़ी से मेरा अंत कर देगा? पर ये मेरी कुल्हाड़ी है, भक्शानर की, तू इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युग गुस्से के साथ कहता है, इस कुल्हाड़ी से तेरा अंत होता है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब मैं इससे तुझ पर वार करूंगा भक्शानर। इतना कहकर युग काले साय को गुस्से से घूरने लग जाता है। देखते ही देखते उसके हाथ पर जो पांचों निशान थे वो पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाते हैं। सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि दोनों आंखें भी। ऐसा लग रहा था जैसे युग अपने अंदर की काली शक्तियों को जागृत कर रहा हो उस काले साय को मारने के लिए। युग गुस्से के साथ ही अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। वो काले साय की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा होता है कि तभी काला साया अपना एक हाथ आगे कर देता है। जैसे ही वो अपना एक हाथ आगे करता है युग के हाथ पर जो पांचों निशान बने हुए थे उनके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है और काले साय के अंदर जाकर समाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे काला साया युग की शक्तियां खींच रहा हो। युग जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और दर्द से कराहने लग जाता है। युग की ऐसी हालत देखकर सब घबरा गए थे। किसी के समझ ही नहीं आता है कि काला साया ये सब कैसे कर रहा है। शक्तियां तो युग काले साया की खींचा करता था पर अब काला साया युग के अंदर की शक्तियां कैसे खींच रहा था। युग के निशानों में से जैसे जैसे धुआं निकलते जाता है युग कमजोर पड़ता जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया सिर्फ युग की शक्तियां नहीं बल्कि उसके अंदर का खून भी खींच रहा हो। युग का शरीर सफेद पड़ने लग जाता है। उसके हाथ की पकड़ कुल्हाड़ी पर ढीली पड़ने लगती है। काला साया हंसते हुए कहता है, तेरी ये चीखे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है युग, तड़प और तड़प, अभी तो तुझे और तड़पना है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। काला साया हंसते हुए कहता है, तेरी ये चीखें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है युग, तड़प और तड़प, अभी तो तुझे और तड़पना है। युग दर्द से तड़पते रहता है। वो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो काले साय से कैसे निपटे। वो अपनी शक्तियों पर काबू पाने की कोशिश करता है पर उसमें भी वो नाकाम हो रहा होता है। काला साया लगातार युग के शरीर की शक्तियां अपने अंदर खींचते जाता है। काला साया फिर युग से बोल पड़ता है, युग तू यही सोच रहा है ना कि मैं तेरी शक्तियां कैसे खींच पा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले तो तू मेरी शक्तियां खींचा करता था। इस राज का खुलासा भी मैं ही कर देता हूं। काला साया एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरता है और फिर बोल पड़ता है, क्योंकि अब मेरे पास तुझसे ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं और शक्तियां हमेशा उसी की तरफ जाती हैं जहां पर काली शक्तियां अधिक मात्रा में केंद्रित हो, और अब वो केंद्र मैंने अपने अंदर स्थापित कर लिया है, तभी तेरी शक्तियां मेरी तरफ आ रही हैं। पिछली बार तो तूने मेरी सारी शक्तियां खींच ली थी, पर इस बार नियति ही यही चाहती है कि जीत मेरी हो। युग दर्द से कराहते रहता है। काला साया खुन्नस के साथ युग से बोल पड़ता है, मैंने तुझे मेरी तरफ आने के कई मौके दिए थे युग, कितनी बार बोला था कि तू मेरे साथ आ जा, मेरे साथ लड़, पर तू फिर भी मेरे खिलाफ गया। मेरा साथ देने की जगह तू मुझसे ही लड़ा, इसलिए इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे वो सजा दूंगा कि फिर कभी कोई वंशज अपने पूर्वज को धोखा देने की सोचेगा तक नहीं। मैं मार दूंगा तुझे युग। इतना कहकर काला साया और तेजी के साथ युग की शक्तियां अपने शरीर के अंदर अवशोषित करने लग जाता है। युग के शरीर से और ज्यादा तादाद में धुआं निकलने लग जाता है और काले साय के अंदर समाने लग जाता है।
जैसे जैसे कालेसाई के शरीर में धुआं समाते जाता है, उसकी आंखों की पीली रोशनी बढ़ते जाती है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि उसके अंदर की शक्तियां बढ़ रही हैं। कालेसाई फिर से बोल पड़ता है, तूने अमावस्या और पूर्णिमा की रात शिकार इसलिए किए थे ना ताकि अपनी शक्तियां बढ़ाकर तू मुझे मार सके, पर अब मैं तेरी ही शक्तियां छीनकर तुझे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा युग तुझे। यामिनी समझ गई थी कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अगर ऐसे ही कालेसाई युग की शक्तियां छीनता रहा तो युग मर जाएगा। कमजोर होते हुए युग अपने घुटनों पर बैठ जाता है, वो दर्द से तड़पते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उसके कराहने की आवाज से ग्रेवयार्ड कोठी गूंजने लग जाती है। यामिनी के हाथ में कछुए का नाखून था जो तलवार में बदल गई थी। यामिनी उसे लेकर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ती है और उस तलवार से सीधे कालेसाई के उस हाथ पर वार करती है जो उसने आगे बढ़ाकर रखा हुआ था, जिससे वो युग की शक्तियां खींच रहा था। कालेसाई का वो हाथ झट से कटकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कालेसाई दर्द से कराह उठता है। हाथ के कटते ही युग दर्द से तड़पना बंद कर देता है। अब उसके शरीर में से धुआं भी नहीं निकल रहा था, पर अगले ही पल कालेसाई का हाथ अपने आप जमीन पर से उठता है और वापस से उसके शरीर से जुड़ जाता है। कालेसाई यामिनी को घूरते हुए गुस्से के साथ कहता है, यक्षिणी की बेटी, तेरी ये मजाल कि तू मुझ पर हमला करेगी, रुक मैं अभी तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। यामिनी आक्रोश के साथ कालेसाई से कहती है, औकात तो मैं आज तुझे तेरी दिखाऊंगी भक्षानर, तूने मेरे युग बाबू को सताया है, मेरे प्यार को मुझसे छीनने की कोशिश की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुझे। इतना कहकर यामिनी अगला वार करने के लिए कालेसाई की तरफ भागने लग जाती है। यामिनी उस तलवार से कालेसाई पर अगला वार करती, उससे पहले ही कालेसाई मन ही मन मंत्र पढ़ता है और उसके मंत्र पढ़ते ही यामिनी के हाथ में जो तलवार थी वो वापस से कछुए के छोटे से नाखून में बदल जाती है। ये देखकर यामिनी घबरा जाती है, पर वो कालेसाई के बहुत करीब पहुंच गई थी और अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती थी, इसलिए वो बिना हथियार के ही कालेसाई की गर्दन को पकड़ने का सोचती है। यामिनी के हाथ कालेसाई की गर्दन तक पहुंचते उससे पहले ही कालेसाई अपने हाथ आगे बढ़ाकर यामिनी के गले को पकड़ लेता है और एक हाथ से ही उसका गला दबाते हुए उसे हवा में उठा लेता है। यामिनी दर्द से कराहने लग जाती है, अपने दोनों हाथों से कालेसाई की पकड़ से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपना गला नहीं छुड़ा पाती है क्योंकि कालेसाई उससे ज्यादा ताकतवर था। कालेसाई हंसते हुए कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती यामिनी, तू शायद भूल रही है, अभिशाप टूटने के कारण अब तेरे पास डायन जितनी शक्ति नहीं है, अब तू डायन नहीं रही, और तो और जब तेरी माँ तुझे अपना ताज दे रही थी तब तूने तो खुद ही अपनी माँ का ताज लेने से अपनी माँ को मना कर दिया, अब उसके बिना तू कुछ नहीं है। यामिनी दर्द से कराहती रहती है, वो कुछ कहने की कोशिश तो करती है पर कालेसाई इतने कसकर उसका गला दबोच कर रखता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। कालेसाई फिर बोल पड़ता है, मुझे तो लगा था कि तू यहाँ पर अपनी माँ को भी लेकर आएगी, पर वो तो यहाँ पर तेरे साथ आई ही नहीं, वहीं पर मंदिर में तारा के साथ रुकी हुई है, पर कोई बात नहीं, उसे अपने पास कैसे बुलाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, उसे तो मुझे वापस से कैद करना ही है, आखिर उसके बिना मेरा कालगढ़ कैसे बनेगा। यामिनी फिर अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। कुछ शक्तियां छिनने के कारण युग कमजोर हो गया था, वो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई थी जो उसने कालेसाई को मारने के लिए पकड़ कर रखी हुई थी। युग इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उस कुल्हाड़ी तक को नहीं उठा पाता है। युग कालेसाई को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, मेरी यामिनी को छोड़ भक्षानर, छोड़ उसे। कालेसाई नाटकीय ढंग से युग से कहता है, ओह युग, तो तुझे दर्द हो रहा है, तेरी प्रेमिका को मार रहा हूं तो, मुझे तो लगता है जितना दर्द तेरी शक्तियां छीनते हुए तुझे नहीं हुआ था उससे ज्यादा दर्द तो अब तुझे हो रहा है, मैं तुझे ऐसे ही तड़पते हुए तो देखना चाहता था, पर अब मैं तुझे और ज्यादा तड़पते हुए देखना चाहता हूं, तो अब तू तड़प। इतना कहकर कालेसाई और कस कर यामिनी का गला दबाने लग जाता है। यामिनी फिर दर्द से बिलक उठती है, युग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है, बस बेसहारा पड़ा रह जाता है। यामिनी को इस तरह दर्द से तड़पते हुए देखकर कायर, बिंदु और कछुआ तो और ज्यादा डर जाते हैं, डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, वो कुछ करने का सोच तक नहीं सकते थे, बस मूर्ति बनकर खड़े हुए थे।
रही अभिमन्यु की बात, तो एकास्त्र पहले ही यूज करने के कारण वो खुद कमजोर पड़ गया था। वो अपना उल्टा हाथ उठा ही नहीं पा रहा था। अब बस डायना ही बची हुई थी जो कुछ कर सकती थी। वो समझ जाती है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना काला साया यामिनी का गला घोटकर उसे मार देगा। डायना अगले ही पल अभिमन्यु के हाथ से अपना एकास्त्र लेती है और काले साये को ललकारते हुए कहती है, यामिनी के पास डायन की शक्ति नहीं बची तो क्या हुआ भक्षानर? मेरे पास तो है ना। सिर्फ डायन की शक्ति नहीं, मैं खुद एक डायन हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायना मंत्र पढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, एकास्त्र में से हरी रोशनी निकलती है जो सीधे जाकर काले साये की आंखों में घुसने लग जाती है, जिस कारण काला साया दर्द से कराहने लग जाता है। वो हरी रोशनी काले साये की आंखों में चुभने लग जाती है, जिस कारण काला साया यामिनी का गला छोड़ देता है और यामिनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। डायना लगातार मंत्र पढ़ती जाती है, जिस कारण एकास्त्र से हरी रोशनी निकलती रहती है। काला साया वापस से अपनी आंखों को खोलता है और मंत्र पढ़ने लग जाता है। उसकी आंखों में से भी पीली रोशनी निकलने लग जाती है। डायना और काले साये की हरी पीली रोशनी कुछ दूरी पर एक दूसरे की रोशनी से जाकर टकराने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। सबकी निगाहें उन दोनों पर टिकी रहती हैं। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीत किसकी होगी, पर कुछ ही देर बाद ये साफ दिखने लगता है कि डायना कहीं ना कहीं काले साये के सामने कमजोर पड़ रही है, क्योंकि काले साये की पीली रोशनी बढ़ती जा रही थी और डायना की हरी रोशनी कम होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीली रोशनी हरी रोशनी को खा रही हो। लगातार मंत्र पढ़ते पढ़ते डायना का मुंह दुखने लग जाता है, वो हांफने लग जाती है, पर तब भी वो काले साये से लड़ना जारी रखती है। डायना हांफते हुए कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी भक्षानर, मार दूंगी तुझे। काला साया फिर एक मंत्र पढ़ता है और अगले पल एकास्त्र के अंदर से जो हरी रोशनी निकल रही थी वो निकलना कम हो जाती है। पीली रोशनी तेजी के साथ हरी रोशनी को कम करते हुए आगे बढ़ती जाती है। देखते ही देखते हरी रोशनी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है और पीली रोशनी एकास्त्र के पास पहुंच जाती है। एकास्त्र के पास पहुंचते ही पीली रोशनी से एक हाथ बनता है और वो एकास्त्र के अंदर लगे हरे हीरे को दबोच लेता है। अगले पल पीली रोशनी का हाथ एकास्त्र में लगा हरा हीरा निकाल लेता है और इसी के साथ एक झटके में वो हरा हीरा काले साये के हाथ में आ जाता है। ये देखकर डायना के होश उड़ जाते हैं। वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है और उसी के साथ वो धराशायी हो जाती है। ये देखकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। काला साया हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता है। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सबसे बलवान हूँ। डायना के इस तरह हारने से योग यामिनी, अभिमन्यु और बाकी सबकी जो एक आखिरी उम्मीद थी, अब वो भी टूट चुकी थी। वो जान गए थे कि अब वे कुछ नहीं कर सकते हैं। काला साया की समझ आ जाता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो अगले ही पल अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, ला अभिमन्यु, अब सीधे सीधे ये बॉटल तू मुझे दे दे, वरना अभी तो मैंने बस तेरी डायना को धूल चटाई है, मैं उसे मौत के घाट भी उतार सकता हूँ। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए डर के साथ कहता है, नहीं नहीं, मेरी डायना को कुछ मत करना, मैं दे रहा हूँ तुझे वो बॉटल। इतना कहकर अभिमन्यु अपना एक हाथ बढ़ाकर वो दोनों काली पॉलिथीन उस काले साये को देने लग जाता है। काला साया भी अपना एक दूसरा हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु उस काले साये को वो बॉटल देने ही वाला होता है कि तभी उसके मन में कुछ आता है और वो रुक जाता है। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुझे ये बॉटले नहीं देने वाला। अगर मैंने तुझे ये दे दी तो कालगढ़ बनाकर वैसे ही तू सब तबाह कर देगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले तू मुझे मार दे, उसके बाद मुझसे बॉटल ले। डायना रोते हुए कहती है, नहीं अभी, ऐसा मत करो। काला साया हंसी के साथ अभिमन्यु से कहता है, अगर तेरी आखिरी ख्वाहिश यही है तो मैं अभी इसे पूरा कर देता हूँ। अभिमन्यु, तुझे मारना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर काला साया गुस्से के साथ अभिमन्यु को घूरता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाने लग जाता है। अभिमन्यु अपनी आंखें बंद कर लेता है। काले साये का हाथ अभिमन्यु के सिर पर पड़ता, उससे पहले ही काला साया खुद दर्द से चीख पड़ता है, आ! अभिमन्यु के समझ ही नहीं आता कि काला साया क्यों चीखा। जब वो अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि काला साया सच में दर्द से तड़प रहा है और उसके दर्द से तड़पने की वजह थी उसके सीने के अंदर घुसा हुआ वज्र, जो किसी और ने नहीं बल्कि कुछ सेकंड पहले ही चैटर्जी ने मारा था।
काले साये के पीछे घायल हालत में चैटर्जी खड़ा हुआ था, जो काले साये की मुर्दों की सेना को मारकर वहां पर आ गया था। वो काफी थका हुआ था, पर काले साये को मारने की खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो जोश से भरा हुआ था। काले साये को इस तरह दर्द से कराहता हुआ देखकर सभी के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। चैटर्जी को देखकर सभी के चेहरे पर चमक आ जाती है। अभिमन्यु हमदर्दी के साथ चैटर्जी से कहता है, आखिरकार मुझे बचाकर तूने अपना कर्ज उतार ही दिया मेरे आदो। चैटर्जी मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहता है, नहीं आदो, कर्ज नहीं उतारा है, दोस्ती निभाई है। मैं तुझे कैसे कुछ होने देता, तू मेरा आदो है जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है। चैटर्जी गर्व के साथ अभिमन्यु से कहता है, मैंने इस काले साये की सेना के सारे मुर्दों को मार दिया है और अब इसे भी। युग यामिनी और डायना को लगा था कि काला साया अभी धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा, पर वो तो पीछे सिर करके चैटर्जी और अभिमन्यु की बातें सुन रहा था। ये देख उन्हें समझ ही नहीं आता है कि काला साया अभी तक मरा क्यों नहीं है, बल्कि दर्द से उसने तो कब का कराह दिया था। चैटर्जी और अभिमन्यु एक दूसरे से हमदर्दी के साथ बातें ही कर रहे थे कि तभी काला साया अपने सीने के अंदर से वज्र को वापस से निकालता है, उसके दो टुकड़े करता है और नुकीला वाला वज्र का सिरा पीछे से चैटर्जी के सीने के अंदर ही घुसा देता है। चैटर्जी दर्द से करा उठता है, आह! ये सब काला साया इतनी फुर्ती के साथ करता है कि किसी को वक्त ही नहीं मिल पाता कि कोई चैटर्जी को आगाह कर सके इस वार से। काले साये ने इतनी कसकर चैटर्जी के सीने के अंदर वो वज्र घुसाया था कि दूसरी तरफ सीधे चैटर्जी का दिल ही बाहर आ गया था, जो धक धक करके धड़के जा रहा था। वो एक ही पल में धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लग जाता है। अभिमन्यु जोर से चीखता है, चैटर्जी! अभिमन्यु की दोनों आंखों में आंसू भर जाते हैं और इसी के साथ अभिमन्यु रोने लग जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि अब वो चैटर्जी को नहीं बचा सकता है। काफी देर हो गई है। सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं बल्कि बाकी सब भी चैटर्जी को ऐसे तड़पते हुए देख रोने लग जाते हैं। चैटर्जी अभी भी दर्द से कराह रहा था। काला साया चैटर्जी को घूरते हुए कहता है, चैटर्जी, तुझे क्या लगा था कि तू हर बार मुझे इस वज्र से हरा देगा? पिछली बार वो शरीर अनुराग का था, इसलिए मुझे उसके शरीर से निकलना पड़ा, पर यह शरीर मैंने अपनी काली शक्तियों से बनाया है, वो शरीर जो इस वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये वज्र भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सबसे बलवान हूं। काला साया फिर बोल पड़ता है, क्या बोल रहा था तू? कि तूने मेरी सेना को खत्म कर दिया है। ये तो बस मेरी सेना की एक टुकड़ी थी चैटर्जी, जिसे तूने खत्म किया है। मेरी असली सेना तो अभी भी बची हुई है। मैं चाहूं तो तुझे भी अपनी सेना में शामिल कर सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी सजा तो बस मौत ही है। इतना कहकर काला साया, जो वज्र चैटर्जी के सीने में घुसा हुआ था, वो और कसकर दबाने लग जाता है। वो फिर दर्द से तड़पने लग जाता है। चैटर्जी की सांसें लगभग पूरी उखड़ चुकी थी और अब वो मौत के आगोश में जाने वाला था। अभिमन्यु रोते हुए कहता है, नहीं, ऐसा मत कर भक्षानर। काला साया हंसते हुए कहता है, ये तो मर चुका है अभिमन्यु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस इसे मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। काला साया हंसते हुए कहता है, ये तो मर चुका है अभिमन्यु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस इसे मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। चैटर्जी को ऐसे तड़पते और मरते देख युग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो भी लगातार रोते रहता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बेसहारा होकर वहां पर पड़ा हुआ है। युग खुद पर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर ही जो दो कटोरे रखे हुए थे, जिनके अंदर डायना ने कायर और कछुए का खून निकाल कर रखा हुआ था, उस पर पड़ती है। उन खून से भरे हुए कटोरे को देखकर युग के मुंह में फिर से पानी आने लग जाता है। उसे उसके शरीर में एक अलग सी बेचैनी महसूस होने लग जाती है। युग उस खून के कटोरे को देख ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुद से बोल पड़ता है, आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात ही तो मैं शिकार करता था और शिकार करके मुझे शक्तियां मिलती थी। इस खून से मुझे पूरी शक्ति मिले या ना मिले, पर कुछ शक्ति तो मिलेगी ही।
यू खुद से गुस्से के साथ कहता है, इस भक्षानर को मारने के लिए अगर मुझे बुरा बनना ही है तो मैं बुरा बनूंगा। इतना कहकर युग एक कटोरे को उठाता है और उसके अंदर रखा खून पीने लग जाता है। बाकी सबका ध्यान चटर्जी की तरफ ही था, जिस कारण कोई भी युग को खून पीते हुए देख ही नहीं पाता है। जैसे जैसे युग खून पीते जाता है, उसे खुद अपने अंदर ताकत के बढ़ने का एहसास होने लगता है। युग फुर्ती के साथ एक ही बार में दूसरे कटोरे का खून भी पी जाता है और अगले ही पल उसकी आंखें और हाथ के पांचों निशान वापस से पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाते हैं। युग के अंदर अब इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो वापस से काले साए से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। युग वापस से कुल्हाड़ी को थाम लेता है और गुस्से के साथ काले साए को घूरने लग जाता है। काला साया तो अभी भी चटर्जी को दर्द से तड़पा रहा था, वज्र को और ज्यादा कस कर चटर्जी के सीने के अंदर घुसा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे चटर्जी को तड़पते देख काले साए को और ज्यादा मजा आ रहा हो। बाकी सबका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और सबसे ज्यादा अभिमन्यु का। उसकी आंखों के सामने तो बचपन के वो पल गुजरने लग गए थे जब उसने पहली बार चटर्जी को देखा था और उसे दाई माँ से बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। युग कुल्हाड़ी थाम कर फुर्ती के साथ अपनी जगह पर खड़ा होता है और भागते हुए काले साए की तरफ जाने लग जाता है। युग काले साए को ललकारते हुए कहता है, भक्षानर। काला साया चटर्जी से अपना ध्यान हटाता है और पीछे मुड़ते हुए युग की तरफ देखने लग जाता है। वो देखता है कि युग तेजी के साथ भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है। काला साया कुछ कर पाता उससे पहले ही युग एक लंबी और ऊंची छलांग लगाता है, इतनी लंबी कि वो काले साए के सिर से भी ऊपर उठ जाता है और अगले ही पल कुल्हाड़ी से काले साए के सिर पर एकदम खड़ा वार कर देता है। काला साया कस कर कराह पड़ता है, आ! युग के जमीन पर कदम रखते ही उसकी कुल्हाड़ी काले साए के शरीर को बीच में से दो हिस्से में बांटते हुए नीचे आ जाती है। उस काले साए का शरीर दो हिस्सों में बट जाता है, उसके शरीर के अंदर से काला खून निकलने लग जाता है। काले साए का शरीर जिन दो हिस्सों में बटा था, उसके एक हिस्से में धुआं था तो दूसरे हिस्से में बॉटफ्लाइज। वो धुआं नीचे बैठने लग जाता है और उसी के साथ वो बॉटफ्लाइज मरते हुए धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लग जाते हैं। युग देखता है कि एक के बाद एक बॉटफ्लाइज जमीन पर गिरते हुए मरते जा रहे थे। काले साए को इस तरह मरता हुआ देखकर बाकी सबके चेहरे पर चमक आ जाती है। डायना भी स्नेह भरी निगाहों के साथ युग की तरफ देखने लग जाती है, क्योंकि युग ने वो कर दिया था जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि युग कभी भी उस भक्षानर के अंश की तरफ जा सकता है। देखते ही देखते काले साए के दो हिस्सों में बटे शरीर के अंदर से एक हिस्से से सारा धुआं भी गायब हो जाता है और दूसरे हिस्से के सारे बॉटफ्लाई भी जमीन पर गिर जाते हैं। युग जमीन पर मरकर गिरे हुए बॉटफ्लाई को देख ही रहा था कि तभी उन बॉटफ्लाई के बीच में युग को गेंद की तरह छोटी सी कुछ सफेद चीज नजर आती है। युग हैरानी के साथ मन में सोचने लग जाता है, ये क्या है? वो सफेद गोल चीज लुढ़कते हुए चटर्जी की तरफ जाने लग जाती है। युग देखता है कि वो सफेद गोल चीज कुछ और नहीं बल्कि एक आंख है। उस आंख पर कमरे के अंदर मौजूद बाकी सबका ध्यान भी चले गया था। युग जब उस आंख को गौर से देखता है तो उसे वो आंख जानी पहचानी लगने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उस आंख को पहले भी कहीं पर देखा है, पर उसे याद ही नहीं आता है कि उसने उस आंख को कहां पर देखा था। वो आंख लुढ़कते हुए चटर्जी के अधमरे शरीर के पास जाकर रुक जाती है। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, ये भक्षानर के शरीर में से किसकी आंख निकली है? युग जब उस आंख को एक बार और गौर से देखता है तो वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, ये तो मेरे पापा की आंख है यामिनी। यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ युग से कहती है, क्या कहा आपने युग बाबू? अनुराग अंकल की आंख। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, ये उन्हीं की आंख है। मैं उनकी आंखों को कभी नहीं भूल सकता। यही तो वो आंख थी जिसे मैं 2 सालों से ढूंढ रहा था ताकि पापा को मुक्ति मिल सके। अब मेरे पापा को मुक्ति जरूर मिलेगी। जैसे ही युग ये बात बोलता है, यामिनी को याद आता है कि पिछली बार अमावस्या की रात जब वो और युग इस कमरे में आए थे तो उन्हें छत पर ही अनुराग की एक आंख लगी हुई मिली थी, जिसे उन्होंने अनुराग के शव के अंदर लगा दिया था, पर दूसरी आंख नहीं मिली थी। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो दूसरी आंख उन्हें क्यों नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वो दूसरी आंख खुद उस भक्षानर के अंश ने अपने शरीर के अंदर स्थापित करके रखी हुई थी ताकि वो उसे अपने शरीर की काली शक्ति का केंद्र बना सके। युग हमदर्दी भरे लहजे में फिर बोल पड़ता है, अब मुझे मेरे पापा को मुक्ति दिलाने से कोई नहीं रोक सकता।
इस भक्षानर का अंत तो मैंने कर ही दिया है, अब मैं अपने पापा को भी जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। इतना कहकर युग अपने कदम चटर्जी के अधमरे शरीर के पास बढ़ाने लग जाता है, जहां पर अनुराग की आंख लुढ़कते हुए गई थी। युग उस आंख को उठाने के लिए नीचे झुकने लग जाता है। युग उस आंख को छूता उससे पहले ही भक्षानर की डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर कोई डर से कांपने लग जाता है। युग खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी अभी तो इस भक्षानर को मारा था। युग धीरे धीरे पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि जो बॉटफ्लाइज अभी कुछ देर पहले ही मरकर नीचे गिर गए थे, वो वापस से जिंदा होते हुए हवा में उठने लग गए हैं। साथ ही उनमें धुआं भी मिलते जा रहा है, जो फर्श पर बनी आंख के निशान के अंदर से ही निकले जा रहा था। एक के बाद एक बॉटफ्लाई वापस से जिंदा होने लग गए थे। युग और बाकी सबको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है कि वो बॉटफ्लाई फिर से जिंदा हो गए हैं। सभी के अंदर का खौफ वापस से जागने लग जाता है, जो कुछ देर पहले काले साए के मिटने के साथ ही मिट गया था। देखते ही देखते युग की आंखों के सामने फिर से काला साया जिंदा हो जाता है। बॉटफ्लाई और धुएं से वापस से उसका शरीर बन जाता है। काला साया हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना युग, तू इस कुल्हाड़ी से भी मेरा अंत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अंत अनंत है, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। युग कुछ करता उससे पहले ही काला साया फिर से अपने दोनों हाथ आगे करता है और फिर से युग की शक्तियां खींचने लग जाता है। युग कुछ कर ही नहीं पाता है, वो फिर से दर्द से कराहने लग जाता है। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से युग के शरीर के अंदर से धुआं निकल रहा था और भक्षानर के शरीर के अंदर घुस रहा था। यामिनी के समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ मंत्रों की शक्ति बची हुई है और वो शक्ति काले साए से लड़ने के लिए काफी नहीं है। रही डायना की बात, तो एकास्त्र के टूटने और हरा हीरा उस काले साए के पास चले जाने के कारण वो खुद ही अंदर से टूट गई थी। अभिमन्यु तो पहले से ही घायल हालत में पड़ा हुआ था और कायर, कछुआ और बिंदु इतने ज्यादा डरे हुए थे कि कुछ करने का सोच तक नहीं पा रहे थे, वो पहले से ही निहत्थे थे। काला साया लगातार युग की शक्तियां खींचते जा रहा था और देखते ही देखते काला साया युग के अंदर की सारी शक्तियां खींच लेता है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बचती। जैसे ही काला साया युग की सारी शक्ति खींच लेता है, युग पीठ के बल धड़ाम से गिर जाता है। यामिनी कस कर चीखती है, युग बाबू। काला साया यामिनी को घूरते हुए कहता है, चीख मत यक्षिणी की बेटी, अभी मैंने इसे मारा नहीं है। युग जिंदा था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, पर वो इतना कमजोर हो गया था कि दोबारा से उठ ही नहीं पाता है। काला साया युग के सीने पर अपना पैर रखते हुए कहता है, युग मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुझे मारकर हमेशा हमेशा के लिए तेरा अंत कर सकता हूं, सिर्फ तेरा नहीं, तेरे इन दोस्तों का भी। युग दर्द से कराहते रहता है, कुछ नहीं कहता है। काले साए की ये बात बोलते ही बिंदु डर से कांपती हुई कायर का हाथ पकड़ लेती है। काला साया ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, जानता है क्यों? युग चुप ही रहता है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने तेरी आंखों में वो दर्द, वो तड़प देखी जो मैं पिछले 2 सालों से देखना चाहता था। जब मैं चैटर्जी को मार रहा था तो मैंने देखा तू किस तरह से तड़प रहा था। इस बात से मैं इतना तो जान गया कि तू मुझसे यानी अपने पूर्वज से भले ही प्यार ना करता हो, पर अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। अब मैं तेरे इन दोस्तों को नहीं मारूंगा, बल्कि तू ही अपने दोस्तों को मारेगा। डायना आक्रोश के साथ काले साए से बोल पड़ती है, युग कभी ऐसा नहीं करेगा भक्षानर। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, सब लोग डायना की तरफ देखने लग जाते हैं। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मुझे युग को समझने में हमेशा गलती हुई है, पर आज जाकर मैं उसे पूरी तरह समझ गई हूँ। वो तेरा वंशज भले ही हो भक्षानर, पर तेरी तरह बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और उसके अच्छे होने का कारण ये है कि उसकी परवरिश किसी और ने नहीं बल्कि हमारी महाडायन चित्रा जी ने की है। उन्होंने युग के अंदर भी वही अच्छाई भरी है जो उनमें थी। युग कभी अपने दोस्तों को नहीं मार सकता। काला साया हंसते हुए कहता है, जानता हूं डायना, मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि युग कभी अपने दोस्तों को नहीं मारेगा, पर मैं चाहूंगा तो उसे अपने दोस्तों को मारना पड़ेगा। बस एक बार तू मेरा कालगढ़ सिद्ध हो जाने दे, फिर देखना वो कैसे तुम सबको बारी बारी से मारेगा। इसलिए तो मैं युग को जिंदा रख रहा हूं और तुम सबको भी, ताकि युग खुद तुम्हें मारे अपने हाथों से।
डायना कुछ कहने या करने ही वाली होती है कि तभी काला साया अपने हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथों में से काली रस्सियां निकलती हैं जो धुएं से बनी हुई थी, और वो रस्सियां डायना के हाथों में बंधने लग जाती है। डायना के दोनों हाथ बंध जाते हैं। काला साया यामिनी की तरफ भी देखता है और यामिनी के हाथ भी उसी तरह धुएं से बनी हुई काली रस्सी से बंध जाते हैं। काला साया अभिमन्यु से कहता है, लो अभिमन्यु, अब तो ये बोतलें मुझे दे दो। इतना कहकर काला साया खुद अपने हाथ आगे बढ़ाकर वो दोनों काली पॉलीथीन अभिमन्यु के हाथों से छीन लेता है और अभिमन्यु कुछ नहीं कर पाता है। काला साया ये बात अच्छे से जानता था कि अभिमन्यु बहुत शातिर है, वो उसके लिए कभी भी कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए वो धुएं की रस्सी से अभिमन्यु के हाथ भी बांध देता है, साथ में युग के भी। काला साया कायर, कछुआ और बिंदु की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ बांधने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम तीनों मेरे खिलाफ जाने की सोचोगे तक नहीं। वैसे भी तुम तीनों के पास वक्त ही कितना बचा है जो मेरे खिलाफ जाओगे। तुम तीनों के खून का तो चढ़ावा चढ़ने वाला है। तुम तीनों के खून से ही तो कालगढ़ सिद्ध होगा। काले साये की डरावनी हंसी कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। अगले ही पल काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है, जिससे कमरे के अंदर ढेर सारा धुआं छाने लग जाता है। इतना सारा धुआं कि कुछ नजर ही नहीं आता है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काला साया क्या करना चाहता है। कुछ देर बाद धुआं छटता है तो काला साया तो वहां से गायब होता ही है। अपने साथ में वो योग, यामिनी, डायना, अभिमन्यु और बाकी सबको भी ले जाता है। उस कमरे में बस अधमरी हालत में चैटर्जी बचता है, जिसके सीने के अंदर वज्र घुसा हुआ था और उसके पास ही अनुराग की एक आंख पड़ी हुई थी। इस तरफ मंदिर के अंदर गर्भगृह में तारा अभी तक बेहोश थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था और उसने कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ थाम कर रखा हुआ था। तारा के बगल में वर्चस्विनी बैठी हुई थी, जिसका रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थी और पूरी लाल पड़ गई थी। वो बार बार तारा के माथे पर हाथ फेरे जा रही थी और रोते जा रही थी। कार्तिक पुजारी और रज्जन भी वहीं पर बैठे हुए थे। तारा का शरीर पूरी तरह सफेद पड़ा हुआ था। उसके अंदर जरा सी भी हलचल नहीं थी। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वर्चस्विनी रोते हुए ही कार्तिक पुजारी से बोल पड़ती है, पुजारी जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी तारा को पूर्णिमा शुरू होने के पहले पहले होश आ जाएगा। अब तो पूर्णिमा भी शुरू हो चुकी है, फिर मेरी बेटी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। पुजारी जी, आपने कहा था कि मेरी बेटी तारा को पूर्णिमा शुरू होने के पहले पहले होश आ जाएगा। अब तो पूर्णिमा भी शुरू हो चुकी है, फिर मेरी बेटी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद इस सवाल का जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानते थे कि तारा को अब तक होश क्यों नहीं आया है। वर्चस्विनी घबराते हुए फिर से बोल पड़ती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी बेटी कभी होश में ही नहीं आ पाएगी? वो शंखरस जो इसे पिलाया गया, उससे इसके शरीर पर गलत असर हो गया और मेरी बेटी के पूरे शरीर पे। इतना कहकर वर्चस्विनी खुद चुप हो जाती है और बिलक बिलक कर रोने लग जाती है। उसका जी तारा की हालत देखकर तो वैसे ही कांप रहा था। कार्तिक पुजारी हमदर्दी भरे लहजे में वर्चस्विनी को तसल्ली देते हुए कहते हैं, महादेव पर भरोसा रखो वर्चस्विनी बेटी, वो अपनी कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। वर्चस्विनी रोते हुए फिर बोल पड़ती है, जो कुछ भी मेरी बच्ची के साथ हुआ है, उसे देखकर अब तो मेरा महादेव पर से भी विश्वास उठने लग गया है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए वर्चस्विनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं वर्चस्विनी बेटी, ऐसा मत बोलो। कभी कभी जीवन में ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, ये देखने के लिए कि उनके सच्चे भक्त मुश्किल हालातों में उनका साथ छोड़ते हैं या नहीं। महादेव भी हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, ये कैसी परीक्षा है पुजारी जी, जिसमें मेरी बेटी की जान पर बनाई है, जिसमें सिवाय अंधकार के कुछ नजर नहीं आ रहा है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, इन मुश्किल हालातों में ही तो तुम्हें संयम बनाए रखना है वर्चस्विनी बेटी, यही परीक्षा की घड़ी है। चाहे हमारा जीवन ही खत्म क्यों ना हो जाए, पर फिर भी हमें हमारे विश्वास को महादेव से उठने नहीं देना चाहिए। हमेशा उन्हें अपने मन में बसा कर रखना चाहिए।
कार्तिक पुजारी की ये बात सुनकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है, पलटकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। रज्जन मंदिर के बाहर दरवाजे की तरफ देखते हुए कुछ परेशान होते हुए कहता है, यामिनी और बाकी सबको ग्रेवयार्ड को ठीक गए हुए काफी वक्त हो गया है, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। कार्तिक पुजारी कहते हैं, शुभ शुभ बोलो रज्जन। रज्जन पलट कर कहता है, मैं तो वही बोल रहा हूँ पुजारी जी जो मुझे लग रहा है, आप खुद ही जरा वक्त देखिए। अभिमन्यु ने हमें बताया था ना कि कायर और कछुआ को वो बॉटलें काले साय के पास 12 बजे से पहले लेकर जानी होती है, और इस वक्त तो 2 बज रहे हैं। कायर कछुआ तो कब के ग्रेवयार्ड कोठी में आ गए होंगे, फिर ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए। कार्तिक पुजारी परेशान होते हुए कहते हैं, बात तो तुम्हारी भी सही है रज्जन। रज्जन धीरे से कार्तिक पुजारी से कहता है, कहीं उस युग ने कुछ कर तो नहीं दिया उन सबको। जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को गुस्से से घूरने लग जाती है और अगले ही पल बोल पड़ती है, रज्जन तू फिर युग की बुराई करने लग गया, यहाँ पर हालात इतने खराब हैं, पर इन हालातों में भी तुझे युग की ही बुराई करनी है। रज्जन कहता है, बुराई ना करूं तो क्या करूं कामेश्वरी, तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि वो युग उस भक्षानर का वंशज है, और कब वो खुद भी भक्षानर बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को घूरते हुए कहती है, तुम न रज्जन अपना मुंह बंद ही रखो, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही सोचोगे, तुम खुद बुरे जो हो, हर कोई तुम्हारी तरह बुरा नहीं होता, समझे तुम। रज्जन पलटकर कुछ कहने वाला था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, मैं अभी अपनी शक्तियों से अपनी बेटी यामिनी से संपर्क साधती हूँ, वो खुद मुझे बता देगी कि आखिर ग्रेवयार्ड कोठी में क्या चल रहा है, उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपनी आंखें बंद करती है और मनी मन मंत्र का जाप करने लग जाती है। रज्जन, कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों की निगाहें ही कामेश्वरी यक्षिणी पर टिक जाती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी घबराहट के साथ ही अगले पल अपनी आंखें खोलती है और ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। कार्तिक पुजारी डरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी आपको। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि अगले ही पल अपनी आंखें बंद करती है और फिर से मंत्र का जाप करने लग जाती है। कुछ देर बाद कामेश्वरी यक्षिणी उसी तरह घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो बार बार यही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी, बार बार मंत्र का जाप करे जा रही थी और अपनी आंखें खोले जा रही थी, पर जितनी बार भी वो अपनी आंखें खोल रही थी उसकी घबराहट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और उसे देखकर बाकी सबकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई समझ गया था कि कुछ न कुछ बुरा तो जरूर हुआ है, तभी कामेश्वरी यक्षिणी इतनी घबराई हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर एक बार और मंत्र पढ़ती, उससे पहले कार्तिक पुजारी पूछ पड़ते हैं, आप कुछ बताती क्यों नहीं कामेश्वरी, क्या हुआ है। कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से कहती है, मैं यामिनी से संपर्क नहीं साध पा रही हूं पुजारी जी। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछते हैं, आप संपर्क नहीं साध पा रही हैं पर क्यों। कामेश्वरी यक्षिणी परेशान होते हुए कहती है, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है पुजारी जी कि ऐसा कैसे हो रहा है, इससे पहले यामिनी ने इसी तरह मुझसे संपर्क साधा था और मुझे मिलने के लिए घाट पर बुलाया था, पर अब तो मैं उससे संपर्क ही नहीं साध पा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है। कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, इसका मतलब रज्जन का कहना गलत नहीं है, ग्रेवयार्ड कोठी में जरूर कुछ ना कुछ अशुभ हुआ है, ऐसा अशुभ जो नहीं होना चाहिए था। रज्जन कार्तिक पुजारी से कहता है, अगर आप आदेश दें पुजारी जी तो मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ है। कार्तिक पुजारी रज्जन के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले एक सफेद चिड़िया उड़ती हुई मंदिर के अंदर आने लग जाती है। वो चिड़िया जोर जोर से चहचहा रही थी, जिस कारण सभी का ध्यान उस पर चले गया था। वो सफेद चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के पास आकर मंडराने लग जाती है, उसी के आसपास उड़ने लग जाती है। रज्जन उस सफेद चिड़िया को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, रात के वक्त तो सारे पंछी सो जाते हैं, फिर ये चिड़िया इतनी रात में यहाँ पर क्यों चहचहा रही है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, ये कोई आम चिड़िया नहीं है रज्जन, ये एक संदेशवाहक चिड़िया है, किसी ने कामेश्वरी यक्षिणी के लिए संदेश भेजा है, तभी वो उसके पास ही उड़ रही है। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा मेरे लिए, पर मेरे लिए भला कौन संदेश भेजेगा पुजारी जी। कार्तिक पुजारी कहते हैं, अवश्य ही अभिमन्यु या चैटर्जी, इन दोनों में से ही किसी ने आपके लिए संदेश भेजा है, मैंने ही उन्हें चिड़ियों के जरिए संदेश भेजना सिखाया था, इससे पहले चैटर्जी ने मेरे लिए इसी तरह संदेश भेजा था।
देखते ही देखते वो चिड़िया कामेश्वरी यक्षिणी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना सिर साइड में करते हुए अपने कान उस चिड़िया के मुंह के पास ले जाती है। वो चिड़िया अपनी भाषा में कामेश्वरी यक्षिणी के कान में कुछ कहने लग जाती है। जैसे जैसे कामेश्वरी यक्षिणी उस संदेश को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। वो और ज्यादा परेशान होते जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी के माथे पर परेशानी की कई सारी लकीरें उभर आई थी। उस संदेश को सुनते सुनते कामेश्वरी यक्षिणी की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ जाते हैं। पूरा संदेश सुनने के बाद कामेश्वरी यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कार्तिक पुजारी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ कामेश्वरी, ऐसा क्या है इस संदेश में जिसे सुनकर आपकी आंखों में अश्रु तक आ गए? कामेश्वरी यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, आप खुद ही सुन लीजिए पुजारी जी, मैं स्वयं तो बता भी नहीं पाऊंगी इतना बुरा हुआ है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस सफेद चिड़िया की तरफ देखती है, मनी मन मंत्र पढ़ती है और वो चिड़िया जो संदेश लेकर आई थी वो उसकी आवाज में बात करने लग जाती है जिसने संदेश भेजा था। वो चिड़िया चटर्जी की आवाज में कहती है, कामेश्वरी जी, जब तक ये संदेश आप तक पहुंचेगा उससे पहले ही मैं इस दुनिया से दूर जा चुका हूंगा। मैंने ये संदेश आपको इसलिए भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने कायर और कछुए को उस काले साए के वशीकरण से बाहर निकाल लिया था, पर उस काले साए ने। इसी के साथ वो चिड़िया चटर्जी की आवाज में वो सब कुछ बता देती है जो भी उस काले साए ने ग्रेवयार्ड कोठी में आकर उनके साथ किया था। चटर्जी ये भी बता देता है कि उसके सीने के अंदर इस वक्त वज्र घुसा हुआ है और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद वर्चस्विनी, कार्तिक पुजारी और रंजन तक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया चटर्जी की आवाज में अपना संदेश पूरा करते हुए कहती है, कामेश्वरी जी, वो काला साया सभी को अपने साथ उस जगह पर ले गया है जहां पर कालगढ़ बना रहा है। उसके हाथ वो बोतलें भी लग चुकी हैं जिसकी उसे जरूरत है। अब वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब बस आप ही हैं जो उस काले साए को रोक सकती हैं। आपको उसे रोकना ही होगा, उसे हराना होगा। मेरा सफर यहीं तक था। लगता है माँ काली ने अभी तक मुझे इसलिए सांसें देकर रखी हैं ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुंचा सकूं। अब मेरा ये जीवन पूरा हो गया है। अगर माँ काली ने चाहा तो अगले जन्म में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस पृथ्वी लोक पर बस दो जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती। इसके पीछे के कारण को जानना होगा। अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाए तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। शक्ति के काम ना करने का कारण ढूंढिए और उस काले साए का अंत कर दीजिए, मार दीजिए उसे कामेश्वरी जी। जय माँ काली। इसी के साथ चटर्जी की एक आखिरी दर्द से भरी कराहने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसकी आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है, जैसे उसने अपना दम तोड़ दिया हो। जैसे ही संदेश खत्म होता है वो चिड़िया उड़ते हुए वहां से जाने लग जाती है। चटर्जी का संदेश खत्म होते ही गर्भगृह में मातम छा जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। कार्तिक पुजारी नम लहजे के साथ कहते हैं, लगता है मैंने अपने प्रिय शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, वो शिष्य जिसने हमेशा मेरी बात मानी। वर्चस्विनी कहती है, और मैंने एक दोस्त को, वो दोस्त जो हमेशा मेरी बेटी की रक्षा करता रहा। रज्जन अगले ही पल घबराते हुए बोल पड़ता है, सब खत्म हो चुका है, ये पृथ्वी लोक अब तबाह होने वाला है, मुझे यहां से जाना होगा, जल्द से जल्द जाना होगा। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ रज्जन से पूछते हैं, जाना होगा पर कहां रज्जन? रज्जन तुरंत जवाब देता है, यक्षिण लोक पुजारी जी, अब मेरे यक्षिण लोक जाने का वक्त आ गया है और वहां पर जाकर मुझे। रज्जन अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी रज्जन को टोकते हुए बोल पड़ती है, तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो रज्जन? तुमने ही तो कहा था कि तुम उसके वरुथी हो, उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है और अब तुम जाने की बात कर रहे हो। रज्जन वर्चस्विनी से कहता है, जाना बहुत जरूरी है वर्चस्विनी, वरना सब खत्म हो जाएगा। वर्चस्विनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मुझे ये तो पता ही था रज्जन कि तू चालबाज है, पर ये नहीं पता था कि तू एक कायर भी है। कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे पीछे ही कार्तिक पुजारी भी बोल पड़ते हैं, तुम इन मुश्किल हालातों में ऐसे कैसे डर से भाग सकते हो रज्जन? भूलो मत, तुम यक्षिण लोक के सेनापति हो और अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी हैं। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, यक्षिण लोक का सेनापति हूँ तभी तो मैं वहां पर वापस जा रहा हूँ पुजारी जी, मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मैंने तो तुझे बहुत पहले ही बोल दिया था रज्जन कि तू यहां से चले जा, इस पृथ्वी लोक में तेरी कोई जरूरत नहीं है, जा
चले जा यहाँ से कायर। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। रज्जुन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में था, जैसे उसे किसी काम की जल्दी हो और इसलिए वो किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता हो। रज्जुन ना आव देखता है ना ताव। अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ मंदिर से बाहर निकलता है, अपनी शक्तियों से एक स्थानांतरण द्वार बनाता है और उसके अंदर कूद कर वहां से गायब हो जाता है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, ये रज्जुन तो चले गया, अब हम क्या करें? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, रज्जुन चले गया तो क्या हुआ वर्चस्विनी, मैं तो यहीं पर हूं ना, और जब तक मैं उस काले साए का अंत नहीं कर देती यहां से कहीं नहीं जाने वाली। कामेश्वरी यक्षिणी पूछती है, पर आप उसका अंत कैसे करेंगी कामेश्वरी जी? मेरी बेटी तारा तो अभी तक बेहोश है, उसकी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, लगता है मुझे ये काम तारा के बिना ही करना होगा। कार्तिक पुजारी बीच में बोल पड़ते हैं, ये असंभव है कामेश्वरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है ना, जिस जगह पर कालगढ़ बन रहा है वहां पर उस काले साए के सिवा किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं, फिर आप वहां पर जाकर उसे कैसे मारोगी? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, मुझे सब पता है पुजारी जी, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो भक्षानर का अंश सभी लोगों को अपने साथ ले गया है, वो उन्हें कुछ करे उससे पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इससे पहले भी मैंने ही उस भक्षानर को मारा था, अगर महादेव ने साथ दिया तो इस बार भी मैं अकेले ही उसका अंत कर दूंगी। कार्तिक पुजारी कुछ कहने वाले थे कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, बात को समझिए पुजारी जी, अब मेरा वहां पर जाने का वक्त आ गया है। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, पर मेरी तारा का क्या कामेश्वरी जी, उसकी रक्षा कौन करेगा? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तारा की फिक्र मत करो वर्चस्विनी, महादेव उसे कुछ नहीं होने देंगे, वो खुद महादेव की शरण में है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी तारा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है, जो तारा ने बेहोशी में भी पकड़ कर रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी तारा का हाथ छुड़ा ही रही थी कि तभी उसके कानों में बार बार वो आवाज गूंजने लग जाती है जो चैटर्जी ने संदेश के जरिए उसे भिजवाई थी। कामेश्वरी यक्षिणी के कानों में बार बार चैटर्जी का संदेश गूंज रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, चैटर्जी ने आखिर में ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, चैटर्जी ने क्या कहा था कामेश्वरी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी से कहती है, आप भूल गए पुजारी जी, चैटर्जी ने संदेश में आखिर में क्या कहा था? उसने कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस दो जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती, इसके पीछे के कारण को जानना होगा, अगर एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाएं तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। वर्चस्विनी कहती है, मैंने चैटर्जी के साथ काम किया है और वो कभी कोई बात बेवजह नहीं कहता था, और ये बात तो उसने मरते वक्त कही थी, तो इस बात के पीछे भी कोई ना कोई राज तो जरूर होगा। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी, इस बात के जरिए भी चैटर्जी हमें कुछ बताना ही चाहता था, ऐसा कुछ जिससे हम उस काले साए के अंत तक पहुंच सकते हैं। पर चैटर्जी क्या बताने की कोशिश कर रहा था? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी तीनों अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चैटर्जी इस बात के जरिए उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वो तीनों इस बारे में सोचते रहते हैं, तभी कामेश्वरी यक्षिणी का दिमाग चल जाता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ खुश होते हुए बोल पड़ती है, मुझे पता चल गया, चैटर्जी जाते जाते वो काम करके चला गया जिससे मैं अब अकेले उस भक्षानर का अंत कर सकती हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चैटर्जी जाते जाते वो काम करके चला गया जिससे मैं अकेले अब उस भक्षानर का अंत कर सकती हूँ। कार्तिक पुजारी हड़बड़ाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, कैसे कामेश्वरी, आप कैसे उस भक्षानर का अंत कर सकती हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी को सब कुछ समझाते हुए कहती हैं, पुजारी जी, चैटर्जी ने जाते जाते कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर बस दो जगह है जहां पर शक्तियां काम नहीं करती, आप तो जानते ही होंगे कि वो दो जगह कौन सी है। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पहली जगह तो वो लालखाल जंगल ही है जहां पर वो भक्षानर कालगढ़ बना रहा है, और दूसरी जगह। इतना कहकर कार्तिक पुजारी सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं आता कि वो दूसरी जगह कौन सी है। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल बोल पड़ती है,
वो दूसरी जगह वो अदृश्य कमरा है जहां पर बॉटलें रखी हुई थी, वही तो एक ऐसा कमरा है जहां पर कोई शक्तियां काम नहीं करती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वर्चस्विनी, वो दूसरी जगह अदृश्य कमरा ही है। चैटर्जी ने आगे कहा था कि हमें इसके पीछे का कारण जानना होगा, यदि एक जगह पर शक्तियां काम करने लग जाएं, तो दूसरी जगह पर भी शक्तियां काम करने लग जाएंगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमें ये पता लगाना है कि अदृश्य कमरे के अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से वहां पर शक्तियां काम नहीं करती हैं। अगर हमने किसी तरह इस राज पर से पर्दा उठा लिया तो हो ना हो हम उस लाल खाल जंगल में भी मेरी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, कार्तिक पुजारी कहते हैं। पर उस अदृश्य कमरे में ऐसा क्या है जिस कारण वहां पर किसी की भी शक्तियां काम नहीं करती हैं? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, इस बात का पता तो अब ग्रेवयार्ड कोठी जाकर ही चलेगा पुजारी जी। लगता है लाल खाल जंगल जाने से पहले मुझे ग्रेवयार्ड कोठी जाना ही होगा, वहां पर जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे कालगढ़ में मेरी शक्तियां काम कर सकती हैं। कामेश्वरी यक्षिणी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए पुजारी जी, मुझे निकलना होगा। कार्तिक पुजारी कुछ संकोच के साथ कहते हैं, आप जाओ कामेश्वरी, पर आपको आपका वचन तो याद है ना, आपने कहा था कि अगर युग। कार्तिक पुजारी इसके आगे कुछ कहते उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती हैं, मैं अपने वचन कभी नहीं भूलती पुजारी जी, पर मैं युग को तभी मारूंगी जब मुझे लगेगा कि उससे किसी को खतरा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे नहीं मारूंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी का प्यार है और मैं अपनी बेटी के प्यार को उससे नहीं छीन सकती। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, पर वो एक भक्षानर का वंशज भी है। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ गुस्से के साथ कहती है, युग वंशज भले ही हो पर वो भक्षानर नहीं है पुजारी जी। कार्तिक पुजारी चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी वर्चस्विनी से कहती है, अपना और तारा का ख्याल रखना वर्चस्विनी, अब उस भक्षानर के अंत के बाद ही मुलाकात होगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानांतरण द्वार बनाती है और उसके अंदर घुस जाती है। स्थानांतरण द्वार सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के सामने खुलता है। जब कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास अपनी नजरें घुमाती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी के चारों ओर ढेर सारी राख पड़ी हुई है। वहां हर जगह राख ही राख नजर आ रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी उस राख को देखकर समझ जाती है कि वो राख उन मुर्दों की थी जिन्हें चैटर्जी ने जलाकर खाक कर दिया था। वो उस राख को देखकर ही अंदाजा लगा लेती है कि चैटर्जी ने अकेले कितने सारे मुर्दों का मुकाबला किया था। कामेश्वरी यक्षिणी चैटर्जी को याद करते हुए खुद से कहती है, चैटर्जी तुम सच में बहुत बड़े योद्धा थे, अकेले इतने सारे मुर्दों को तुमने मुक्ति दिला दी, मैं तुम्हारा बलिदान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाने लग जाती है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी सीधे रूम नंबर 666 के अंदर चली जाती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो उसे दरवाजे पर ही चैटर्जी की लाश पड़ी हुई मिलती है। चैटर्जी के सीने में वज्र घुसा हुआ था और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी। चैटर्जी की लाश देखकर कामेश्वरी यक्षिणी की आंख फिर से नम होने लग जाती है। जब वो चैटर्जी की लाश के पास बैठती है और उसकी बंद की हुई मुट्ठी खोलती है तो देखती है कि चैटर्जी ने अपने हाथ में कुछ और नहीं बल्कि एक आंख पकड़ कर रखी हुई थी। उस आंख को देखते ही से ही कामेश्वरी पहचान जाती है कि वो आंख किसी और की नहीं बल्कि अनुराग की है। कामेश्वरी यक्षिणी उस आंख को पहचानती भी कैसे नहीं, आखिर वो अनुराग से इतना प्यार जो करती थी। जब कामेश्वरी चैटर्जी के हाथ को छूती है तो उसी वक्त उसे एहसास होता है कि काले साए के सबको यहाँ से ले जाने के बाद भी चैटर्जी के शरीर में कुछ जान बाकी थी और उसके जाने के बाद ही उसने अनुराग की आंख अपने हाथ में उठाई थी और फिर मंत्रों की शक्ति से सफेद चिड़िया को बुलाकर उसके जरिए अपना संदेश भेजा था। कामेश्वरी यक्षिणी बिना देरी किए सीधे अदृश्य कमरे के अंदर जाने लग जाती है। वो द्वार खुला ही हुआ था, काले साए ने उसे फिर से बंद करना मुनासिब नहीं समझा था, आखिर वो उस द्वार को बंद करता भी क्यों? जो बॉटले उस काले साए को चाहिए थी वो तो उन्हें अपने साथ ले ही गया था, अब वो अदृश्य कमरा उसके किसी काम का नहीं था। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि वो रैक जिनमें कभी बॉटले जमा हुआ करती थी वो रैक पूरी तरह से खाली था, वहां पर एक भी बॉटल नहीं रखी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में चारों तरफ देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, क्या है आखिर इस कमरे में ऐसा जो किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है?
इस कमरे में कुछ ना कुछ तो जरूर है। तभी चैटर्जी ने मुझे इस बात के बारे में पता लगाने के लिए कहा है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी उस कमरे में तहकीकात करना शुरू कर देती है। वो पूरा कमरा छान लेती है पर उसे कहीं पर भी कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जिससे पता चल सके कि शक्तियों के काम न करने के पीछे क्या वजह है। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत अदृश्य कमरे से बाहर निकलती है और फिर पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में छानबीन करना शुरू कर देती है। वो हर कमरे में जा रही थी और वहां पर छानबीन कर रही थी। छानबीन करते वक्त ही कामेश्वरी यक्षिणी को वो ताबूत भी नजर आता है जिसके अंदर अनुराग का शव रखा हुआ था। एक दो मिनट तक कामेश्वरी यक्षिणी उस ताबूत के पास रुककर अनुराग को याद करती है और वक्त की कमी को समझते हुए फिर से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। कामेश्वरी यक्षिणी पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में तलाश कर लेती है पर उसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। आखिर में थक हार कर कामेश्वरी यक्षिणी फिर अदृश्य कमरे में ही आ जाती है और एक बार फिर अदृश्य कमरे में छानबीन करने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में छानबीन ही कर रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ खुद से कहती है, मैं समझ गई चैटर्जी किस चीज के बारे में बोल रहा था, पर उसके लिए तो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ खुद से कहती है, मुझे ये कदम उठाना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। वो अपनी शक्तियों से चैटर्जी की लाश को उठाती है और साथ ही जिस ताबूत में अनुराग का शव रखा हुआ था उसे लेकर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर आ जाती है। वो चैटर्जी के शव और उस ताबूत को अपने साइड में रख देती है और खुद अपना सिर ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ करते हुए जमीन पर ही पालथी मारकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साधना करने की तैयारी कर रही हो। कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी को एकटक देखते हुए कहती है, अब उस भक्षानर के अंत की शुरुआत होगी, उसकी इस ग्रेवयार्ड कोठी से। यहीं पर उसने सालों से पनाह ली थी ना, और अब यही जगह उसके अंत का कारण भी बनेगी। कामेश्वरी यक्षिणी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हुए कहती है, आज तेरी भक्ति की परीक्षा है कामेश्वरी, तुझे आज अपनी भक्ति को साबित करना ही होगा, महादेव को प्रसन्न करना होगा। अब महादेव ही है जो कुछ कर सकते हैं, बता दे कि तू उनकी कितनी सच्ची भक्त है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मंत्र का जाप करते हुए खुद से कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रज्जन के यक्षिण लोग जाने से एक घंटे पहले इस तरफ काला साया जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था, पर इस बार वो जो आंख का निशान बना हुआ था उसके अंदर की पुतली घूम नहीं रही थी, बल्कि उस पुतली के आसपास ही करीब 50 बोतलें एक साथ आंख के चारों तरफ ही रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंख ही बोतलों से बनाई गई हो, वही बोतलें जो काला साया कायर और कछुए से मंगवाया करता था। उन बोतलों के आसपास ढेर सारा धुआं छाया हुआ था जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बोतलों के अंदर क्या चीज है। काले साय के बगल में ही वो दो काली पॉलीथीन रखी हुई थी जिनके अंदर भी कुछ बोतलें रखी हुई थी। वो जो अभी अभी ग्रेवयार्ड कोठी से लेकर आया था उन बोतलों को उसने अभी बाहर नहीं निकाला था। उन पॉलीथीनों के अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी जो कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं बोतलों में से निकल रही थी जो पॉलीथीन के अंदर रखी हुई थी। उस निशान के ठीक ऊपर आसमान में एक बड़ा सा सुनहरा द्वार था जो गोल गोल एक ही जगह पर घूमे जा रहा था। योग और यामिनी एकटक उसी द्वार को देख रहे थे। उन्होंने उस द्वार के बारे में बहुत सुना था पर देख पहली बार रहे थे। अभिमन्यु और डायना भी काले साए की आंखों के सामने ही थे। उन चारों के हाथ बंधे हुए थे, बस बिंदु कायर और कछुआ के हाथ खुले हुए थे, पर उनके पीछे भाले लेकर करीब 6 मुर्दे काला लबादा पहनकर खड़े हुए थे जिस कारण वो तीनों आजाद होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा डर उन तीनों के अंदर ही समाया हुआ था। काले साए के बगल में ही हरा हीरा भी रखा हुआ था, वही हरा हीरा जो एकास्त्र तोड़ने के बाद उसने डायना से छीन लिया था। वो जानता था कि उस हीरे के अंदर की शक्तियां डायना के नियंत्रण में हैं, और जब तक डायना खुद उसे वो हीरा ना सौंपे उसकी शक्तियों का उपयोग भक्षानर नहीं कर सकता था। पर कालगढ़ सिद्ध होने के बाद वो आराम से उस हीरे का उपयोग कर पाएगा, इसलिए उसने वो हीरा संभाल कर रखा हुआ था। काला साया युग और उसके दोस्तों को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, अब बस मैं कालगढ़ बनाने से एक कदम दूर हूँ, उसके बाद कालगढ़ सिद्ध हो जाएगा और फिर मेरा वंशज युग तुम सबको अपने हाथों से मारेगा। यामिनी भी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, ना ही युग बाबू हमें मारेंगे, ना ही तू कालगढ़ सिद्ध कर पाएगा भक्षानर, देखना
माँ तुझे रोकने के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। काला साया पलट कर यामिनी से कहता है, तो यहाँ पर आते ही तुझे तेरी माँ की याद आ ही गई। फिक्र मत कर, मैं तो खुद चाहता हूँ तेरी माँ यहाँ पर आए, आखिर उसके बिना कालगढ़ सिद्ध कैसे होगा। काला साया अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, जरा वो देख। जिस तरफ काले साये ने इशारा किया था यामिनी उस तरफ अपनी नजरें करती है, तो वो देखती है कि वहां पर एक सफेद बॉटल रखी हुई है जिसके अंदर बिजली गिर रही थी, जैसे वो बॉटल बिजली की शक्ति से बनाई गई हो। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, इस बॉटल को तो तू पहचानती ही होगी, आखिर ऐसी ही बॉटल के अंदर तो मैंने तुझे भी कैद किया था, और अब जब तेरी माँ आएगी तब मैं उसे कैद करूंगा, उसके स्वागत का मैंने पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। यामिनी चुप ही रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। युग तो जमीन पर ही पड़ा हुआ था, शक्तियां चले जाने के कारण वो इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि उठ तक नहीं पा रहा था। काला साया अपनी मुर्दों की सेना से कहता है, सैनिकों जब तक मैं आता हूँ तब तक इनका ख्याल रखना, अगर कोई भी जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश करे तो एक पल के लिए भी देर मत करना, सीधे उसे मार देना। सब मुर्दे एक स्वर में बोल पड़ते हैं, जैसा आपका आदेश काल स्वामी। काला साया फिर बोल पड़ता है, तुम लोगों के कारण पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है, पर अब मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं अपने आखिरी काम को अंजाम देने के लिए। डायना मन में सोचने लग जाती है, और कौन सा काम है जो बचा हुआ है जिसके लिए ये भक्षानर का अंश हमें यहाँ पर छोड़कर जा रहा है। काला साया अगले ही पल मंत्र पढ़ता है और उसका शरीर धुएं और बॉटफ्लाई में बदलने लग जाता है। देखते ही देखते वो धुआं और बॉटफ्लाई उड़ते हुए आसमान में दिख रहे सुनहरे द्वार के अंदर जाने लग जाते हैं। अगले ही पल काला साया वहां से गायब हो जाता है, और उसके साथ ही वो दो काली पॉलिथीन भी जिसके अंदर बॉटलें रखी हुई थी। जिस सुनहरे द्वार में काला साया घुसा था उस सुनहरे द्वार से काला साया सबसे पहले पृथ्वी लोक से बाहर निकल जाता है, और फिर प्रकाश की गति से कई गुना रफ्तार से अनंत ब्रह्मांड में आगे बढ़ने लग जाता है। काला साया आकाश गंगा को पार करते हुए कुछ ही पल में एंड्रोमेडा तारामंडल को भी पार कर लेता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो 27 नक्षत्रों के तारामंडलों को पार कर अंधकार में डूबे ब्रह्मांड में आगे बढ़ता रहता है, और अगले ही पल उसे एक दूसरे लोक में जाने का द्वार दिखाई देता है। उसे वैसा ही सुनहरा द्वार दिखा था जैसा सुनहरा द्वार उसने पृथ्वी लोक में लालखाल जंगल में बनाया था। ब्रह्मांड के अनंत अंधकार में वो सुनहरा द्वार अलग ही नजर आ रहा था। काला साया उस द्वार के पार चला जाता है और अपने रूप में आ जाता है। उस सुनहरे द्वार का मुख सीधे दूसरे लोक में एक बड़े से महल में खुलता है, एक ऐसा महल जो पूरी तरह सोने से बना हुआ था। उस महल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 5 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर कई सारे कमरे बने हुए थे। कमरों की संख्या करीब 64 थी। हर कमरे के दरवाजे पर अलग अलग नक्काशी की गई थी। सारे कमरे के दरवाजे बंद थे जो हॉल से ऊपर नजरें करने पर ही समझ आ रहे थे। वो पूरा महल खाली था, कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। काला साया महल के अंदर देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहाँ चली गई सब? मैं अच्छे से जानता हूँ वो कहाँ पर है, वो सब यहीं पर हैं। मैं उन्हीं के लिए तो आया हूँ, और उन्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। काले साये ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। काले साहेब ने इतना कहा ही था कि तभी एक औरत की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, तो तू है वो दुष्ट भक्षानर। ये आवाज सुनते ही काला साया तुरंत अपनी नजरें लेफ्ट साइड में करता है और देखता है कि उसके लेफ्ट साइड में ही एक यक्षिणी जितनी ही सुंदर औरत खड़ी हुई थी। यक्षिणी जिस अंदाज में साड़ी पहनती है उस औरत ने भी उसी अंदाज में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बस उसके सिर पर ताज नहीं था जो कामेश्वरी यक्षिणी के पास था, पर वो दिखने में उतनी ही सुंदर और मनमोहक थी। उसके चेहरे में एक जादू था, एक ऐसा जादू कि अगर कोई भी मर्द उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। उसके माथे पर अर्ध उगते हुए सूरज की प्रतिमा की बिंदी लगी हुई थी। काला साया उस औरत को देखते हुए कहता है, तू सुर सुंदरी यक्षिणी है ना? वो औरत कुछ जवाब नहीं देती है, गुस्से के साथ ही काले साये को घूरते रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है, हाँ तू सुर सुंदरी यक्षिणी ही है, तेरी खूबसूरती को देखकर मैंने तुझे पहचान लिया। बहुत चर्चे सुने थे मैंने तेरी सुंदरता के, आज उस सुंदरता का नजारा भी देख लिया।
काला साया उस सुनहरे द्वार से कहीं और नहीं बल्कि यक्षिण लोक पहुंच गया था। वही यक्षिण लोक जहां पर कभी कामेश्वरी यक्षिणी रहा करती थी, जहां की वो महारानी थी, और इस वक्त वो उस महल के अंदर मौजूद था जहां पर सारी यक्षिणियां रहा करती थी। वो 64 कमरे उन्हीं यक्षिणियों के थे। उन कमरों पर अलग अलग तरह की नक्काशी की गई थी और वो नक्काशी इस बात की तरफ इशारा करती थी कि कौन से कमरे में कौन सी यक्षिणी रहा करती थी। सुरसुंदरी यक्षिणी काले साये को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, तो तू ही है वो दुष्ट जो यक्षिण लोक की यक्षिणियों को गायब कर रहा है। काला साया हंसते हुए कहता है, गायब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें कैद करके पृथ्वी लोक ले जा रहा हूँ। सुरसुंदरी यक्षिणी पूछती है, पृथ्वी लोक ले जा रहा है पर क्यों? काला साया जवाब देता है, ताकि उनकी मदद से कालगढ़ बना सकूं। आखिर उन्हीं की शक्तियों से तो कालगढ़ बनेगा और फिर पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। जब काले साये के मुंह से सुरसुंदरी यक्षिणी ये बात सुनती है तो कुछ घबरा सी जाती है। काला साया फिर खुद ही बोल पड़ता है, तू मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रही है? मैं कोई पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात आता हूँ और एक यक्षिणी को बॉटल में कैद करके यहाँ से ले जाता हूँ। पिछली बार तो मैं अष्टमी की रात ही आ गया था और एक नहीं बल्कि दो दो यक्षिणी को पकड़ कर ले गया था। काले साये की डरावनी हंसी महल में गूंजने लग जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी गुस्से के साथ बोलती है, तू उन यक्षिणियों को यहाँ से इसलिए ले जा पाया क्योंकि वो अकेली थी। हमें तो पता ही नहीं था भक्षानर कि तू यक्षिणियों को कैद करके अपने साथ ले जा रहा है। हम तो खुद परेशान थे उनके लिए कि आखिर उन यक्षिणियों का क्या हुआ, पर आज तू मेरे सामने आ गया और तूने खुद अपनी सच्चाई मुझे बता दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुरसुंदरी यक्षिणी की बात सुनकर काला साया हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, जब तेरी वो महारानी कामेश्वरी यक्षिणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तू मेरा क्या कर लेगी सुरसुंदरी? सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, हमारी महारानी को तो तूने छल से कैद किया था, पर तू मुझे नहीं छल पाएगा। तू यहाँ पर रात हो गया है पर यहाँ से जा नहीं पाएगा। काला साया पलट कर कहता है, तो तू रोकेगी मुझे? सुरसुंदरी कहती है, मैं नहीं, हम सब। जैसे ही सुरसुंदरी यक्षिणी ये बात बोलती है, महल में मौजूद कुछ कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं। एक साथ करीब 12 दरवाजे खुलते हैं और उन 12 दरवाजों के अंदर से एक से बढ़कर एक खूबसूरत यक्षिणी कमरे से बाहर आकर दरवाजे के सामने खड़ी होने लग जाती है, जो गुस्से के साथ काले साये को घूरे जा रही थी। काला साया तो उन यक्षिणियों को बस देखते ही रह गया था। काला साया बारी बारी उन यक्षिणियों को देखते हुए कहता है, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी, अनुरागिणी यक्षिणी और ये यही बड़बड़ाते हुए काला साया उन यक्षिणियों का नाम लेना छोड़ता है और अगले ही पल उनकी गिनती करते हुए कहता है, 1, 2, 3, 10, 11, 12 और सुरसुंदरी यक्षिणी, तुझे मिलाकर पूरी 13 यक्षिणी। तुम 13 यक्षिणी की तो मुझे जरूरत थी, बाकी की यक्षिणी को तो मैं पहले ही कैद करके पृथ्वी लोक पर ले जा चुका हूँ। सुरसुंदरी यक्षिणी कुछ कहती उसके पहले ही काला साया कुछ सोचते हुए बोल पड़ता है, पर तुम सारी यक्षिणी आज एक साथ यहाँ पर कैसे? पिछली अमावस्याओं पूर्णिमाओं पर जब मैं आया करता था तब तो हर यक्षिणी अपने कमरे में ही रहा करती थी और मैं बिना किसी आहट के उसे कैद करके अपने साथ ले जाया करता था। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, क्योंकि आज हम इसी बात पर से पर्दाफाश करना चाहते थे कि आखिर यक्षिणियां गायब कहां पर हो रही हैं भक्षानर। हम उसी की सभा के लिए आज एकत्रित होने वाले थे, पर सभा शुरू होने से पहले ही तू यहां पर आ गया। काला साया पलट कर कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम सब यहीं पर हो। वैसे भी मुझे पहले ही देर हो गई है, एक एक यक्षिणी को पकड़ता तो काफी वक्त हो जाता। अब तुम सब यहाँ पर हो तो सबको एक साथ कैद करके ले जाऊंगा यहाँ से। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, कौन किसे कैद करता है वो तुझे अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर सुरसुंदरी यक्षिणी इशारा करती है और अगले ही पल अलग अलग मंजिल पर जो यक्षिणी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी वो छलांग लगाते हुए नीचे आ जाती है और काले साये को चारों तरफ से घेर लेती है। काला साया उन 13 यक्षिणियों से पूरी तरह से घिर चुका था। उसी वक्त भक्षानर वो 2 काली पॉलीथीने अपने जादू की शक्ति से निकालता है और उनके अंदर जो 13 बोतलें रखी हुई थी उसे जमीन पर रख देता है।
वो बॉटलें अलग अलग रोशनी के साथ चमक रही थी क्योंकि वो अलग अलग शक्तियों से बनी हुई थी। जब वहां पर मौजूद यक्षिणियों की नजर उन बॉटलों पर पड़ती है तो वो घबरा जाती हैं। उनकी आंखों में हल्का सा डर नजर आने लग जाता है। काला साया मुस्कुराहट के साथ कहता है, इन बॉटलों के अंदर वही शक्तियां हैं जो तुम्हारी कमजोरी हैं। जिस तरह मैंने बाकी की यक्षिणियों को कैद किया था, अब उसी तरह मैं तुम्हें भी कैद करूंगा। शंखिनी यक्षिणी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, भक्षानर तू नहीं, अब हम तुझे कैद करेंगे। इतना कहकर शंखिनी यक्षिणी काले साये को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। उसी वक्त काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम शंखधारिणे शंखाभरणे माम हिम क्लीम क्लीम श्री बंधयति। जैसे ही काला साया ये मंत्र पूरा पढ़ता है, शंखिनी यक्षिणी पानी की शक्ति से बनी हुई बॉटल के अंदर जाकर कैद होने लग जाती है। वो अपने आप उस बॉटल के अंदर चले जाती है। शंखिनी यक्षिणी बॉटल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही बॉटल को तोड़ने के लिए अपने हाथों से धक्का देती है, उसे एक झटका लगता है और वो बीच में आकर खड़ी हो जाती है। शंखिनी यक्षिणी चीखने चिल्लाने लग जाती है, पर उसकी आवाज बॉटल से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। शंखिनी यक्षिणी को ऐसे कैद होते हुए देख बाकी की यक्षिणी कुछ घबरा सी जाती हैं, पर वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, बल्कि भक्षानर का बड़ी बहादुरी से सामना करने लग जाती है। हर यक्षिणी भक्षानर को छूने की कोशिश कर रही थी, पर भक्षानर था कि उन्हें चकमा देकर यहाँ से वहां जा रहा था, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि अगर किसी भी यक्षिणी का उस पर हाथ टच तक हुआ तो वो यक्षिणी उस पर काबू पा सकती थी, उसे मोहित करके अपने वशीभूत कर सकती थी। पर भक्षानर भी उनसे ज्यादा चालाक था, इसी वजह से वो उन्हें चकमा देकर एक के बाद एक मंत्र पढ़ते जा रहा था और बाकी की बची हुई यक्षिणी को बॉटल के अंदर कैद करते जा रहा था। एक के बाद एक यक्षिणी कैद होते जा रही थी। देखते ही देखते 11 यक्षिणियां कैद हो जाती हैं और अंत में बस सुरसुंदरी यक्षिणी और चंद्रामृत यक्षिणी बचती हैं। वो दोनों भी भक्षानर को पकड़ने की कोशिश में काफी थक गई थी और हाफे जा रही थी, पर उन दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भक्षानर को पकड़ कर रहेगी। काला साया हंसते हुए कहता है, तुम दोनों भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा ना, नियति खुद चाहती है कि कालगढ़ बने, तभी तो नियति ने तुम सबको एक साथ यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था और मैंने सारी यक्षिणी को कैद कर दिया और अब बस तुम दोनों बची हो, मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा। चंद्रामृत यक्षिणी सुरसुंदरी यक्षिणी की तरफ देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, सुरसुंदरी यक्षिणी, हमें यक्षों को बुलाना चाहिए वरना ये भक्षानर हमें भी कैद कर ले जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरसुंदरी यक्षिणी कहती है, पर ये परंपरा के विरुद्ध है। तुम्हें पता है ना, इस महल के अंदर यक्षों का आना मना है। यहाँ पर सिर्फ यक्षिणियां आ सकती हैं। अगर यक्ष इस महल के अंदर आए तो इस महल की पवित्रता खत्म हो जाएगी, ये सोने का नहीं रहेगा। चंद्रामृत यक्षिणी कुछ कहती है, उससे पहले ही काला साया हंसते हुए बोल पड़ता है, इसी बात का फायदा उठाकर तो मैंने इस सुनहरे द्वार का मुख इस महल के अंदर खोला था, ताकि बाकी के यक्षों को इस बात का पता तक ना चले और मैं चुपचाप एक एक यक्षिणी को पकड़ कर ले जाऊं। पूरे 2 साल लगे मुझे एक एक यक्षिणी को पकड़ने में, पर अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ और अब मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। सुरसुंदरी यक्षिणी चंद्रामृत यक्षिणी को इशारा करती है। चंद्रामृत यक्षिणी इशारा समझते ही यक्षों को बुलाने के लिए वहां से भागने लग जाती है। वो भाग पाती उससे पहले ही काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम गुलु गुलु चंद्रामृत मई अवजालितम हुलु हुले चंद्र नीरे बंधयति। जैसे ही काला साया मंत्र पूरा पढ़ता है, चंद्रामृत यक्षिणी आग की शक्ति से जो लाल बॉटल बनी हुई थी उसके अंदर जाकर कैद हो जाती है। वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर बाकी की यक्षिणियों की तरह बाहर नहीं निकल पाती है, बॉटल के अंदर ही कैद होकर रह जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी भी वहां से भागने ही वाली थी कि तभी काला साया फिर एक और मंत्र पढ़ लेता है और मंत्र के खत्म होते ही सुरसुंदरी यक्षिणी भी कैद हो जाती है। सुरसुंदरी यक्षिणी के कैद होते ही काला साया कसकस कर डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। काले साये ने अपनी शक्तियों से 13 की 13 यक्षिणियों को कैद कर लिया था, एक भी यक्षिणी बची हुई नहीं थी। काला साया अपनी शक्तियों पर घमंड करते हुए बॉटल में कैद हुई 13 यक्षिणियों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। कालगढ़ बनाने का जो एक कदम बचा हुआ था, उसमें से आधा कदम मैंने तय कर लिया है। अब बाकी का आधा कदम मैं पृथ्वी लोक पर जाकर पूरा करूंगा। आज मैं कालगढ़ बनाकर ही रहूंगा।
इतना कहकर काला साया अपनी जादुई शक्ति से उन 13 की 13 बोतलों को एक साथ उठाता है और महल के दरवाजे के पास ही जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर कूद जाता है। इस तरफ पृथ्वीलोक पर कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के सामने साधना में बैठकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पाप हरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में बस कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्र के जाप करने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव की साधना करने में इतनी खो गई थी कि सब कुछ भूल गई थी। वो बस मंत्र पढ़े जा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी लगातार मंत्र पढ़ी रही थी कि तभी जमीन में तेज कंपन होना शुरू होने लग जाता है, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। कामेश्वरी यक्षिणी फिर भी नहीं रुकती है, मंत्र पढ़ती रहती है। अगले ही पल जमीन तेजी के साथ हिलने लग जाती है। कंपन के साथ छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हवा में ऊपर उठने लग जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी की मीनारें हिलने लग गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ग्रेवयार्ड कोठी को हिला रही हो। तेजी के साथ हवाएं चलने लग जाती हैं, जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और उसी तूफान में ग्रेवयार्ड कोठी पूरी तरह हिलने लग गई थी। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसने लग जाती है। ये देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक नजर आने लग जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। उसे पहले से इस बात का अंदाजा था कि महादेव की साधना करने पर ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने पहले ही चटर्जी और अनुराग का शव बाहर निकाल लिया था ताकि उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला सके। देखते ही देखते पूरी ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंस जाती है। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर ग्रेवयार्ड कोठी का कोई वजूद ही ना हो। जैसे ही पूरी तरह ग्रेवयार्ड कोठी जमीन के अंदर धंसती है, जमीन के अंदर से एक सफेद रोशनी निकलने लग जाती है और उसी सफेद रोशनी के साथ एक काले रंग का शिवलिंग जमीन के अंदर से निकलते हुए ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। जैसे ही वो शिवलिंग पूरी तरह जमीन से बाहर निकलता है, सफेद रोशनी निकलनी बंद हो जाती है। वो शिवलिंग जमीन के ऊपर आकर स्थापित हो जाता है। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी मंत्र पढ़ना बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसे वो चीज मिल गई हो जिसकी उसे जरूरत थी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल अपनी जगह पर से उठती है और शिवलिंग के पास जाकर उसके सामने नतमस्तक होते हुए नम आंखों के साथ बोल पड़ती है, आखिर आपने मेरी पुकार सुनी ली महादेव। मुझे पता था आप कभी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं कर सकते। आप सच में महान है महादेव, आप महान है। जमीन के अंदर से जो शिवलिंग निकलकर बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही शिवलिंग था जिससे एक बार भक्षानर महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रहा था। पर मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाने के कारण शिवलिंग खंडित हो गया था, जिस कारण वो शक्तियां अपने अंदर खींचने लग गया था और उसी के साथ अपने आप जमीन के अंदर धंस गया था। और फिर बाद में उस जगह पर अंग्रेजों ने ग्रेवयार्ड कोठी बना दी थी। जब कामेश्वरी यक्षिणी अदृश्य कमरे में तलाश कर रही थी तो उसे यही चीज याद आई थी कि जब पहली बार भक्षानर उसे अदृश्य कमरे में लेकर आया था तो उसी ने उसे बताया था कि क्यों अदृश्य कमरे में किसी की शक्ति काम नहीं करती है। उसके पीछे की वजह वो खंडित शिवलिंग था जो ग्रेवयार्ड कोठी की जमीन में ही कहीं दबा हुआ था। पर अब कामेश्वरी यक्षिणी ने अपनी भक्ति से उस शिवलिंग को ढूंढ कर बाहर निकाल लिया था। सिर्फ बाहर नहीं निकाला था बल्कि अपनी शक्ति से उस शिवलिंग को पवित्र भी कर दिया था, मंत्रों का सही सही उच्चारण करके। कामेश्वरी यक्षिणी खुशी के साथ कहती है, चटर्जी के कहने पर मैंने अदृश्य कमरे में किसी भी शक्ति के काम ना करने की वजह ढूंढी ली। सिर्फ वजह नहीं ढूंढी बल्कि शिवलिंग को भी पवित्र कर दिया है। अगर ग्रेवयार्ड कोठी जमीन में ना धंसती तो मैं अदृश्य कमरे में जाकर देखती कि मेरी शक्तियां काम कर रही है या नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, अब बस मुझे एक आखिरी काम को अंजाम देना है। उसके बाद अगर महादेव ने इसी तरह मेरा साथ दिया तो मेरी शक्तियां लाल खाल जंगल में भी जरूर काम करने लग जाएंगी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर, तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही। मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है भक्षानर, तेरी ग्रेवयार्ड कोठी के अंत के साथ ही। मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं आ रही हूँ तेरा अंत करने।
इसी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग के सामने फिर एक बार अपने दोनों हाथ जोड़ती है और मन ही मन मंत्र बड़बड़ाते हुए शिवलिंग को अपने कंधे के ऊपर उठाती है। अगले ही पल वो स्थानांतरण द्वार बनाती है और शिवलिंग के साथ उसके अंदर घुस जाती है। इस तरफ मंदिर के अंदर कार्तिक पुजारी और वर्चस्विनी की टेंशन बढ़ते जा रही थी, क्योंकि तारा को अभी तक होश नहीं आया था। वर्चस्विनी ने अपने हाथ में तारा का हाथ थाम कर रखा हुआ था, पर वो एक बस जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसकी आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने तारा के ठीक होने की सारी उम्मीदें खो दी हैं। कार्तिक पुजारी तो बार बार महादेव के नाम का ही जप करे जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अब महादेव ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। वर्चस्विनी ने तारा का हाथ पकड़ कर रखा ही हुआ था कि तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे तारा ने अपनी उंगलियां हिलाई हों। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से बोल पड़ती है, तारा ने अपना हाथ हिलाया पुजारी जी, मेरी तारा ने अपना हाथ हिलाया। जब कार्तिक पुजारी अपनी नजरें तारा के हाथ की तरफ करते हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो देखते हैं कि तारा के हाथ की उंगलियां हिलने लग गई हैं। तारा की उंगलियां हिलते हुए देख कार्तिक पुजारी की टेंशन भी कुछ कम हो जाती है, पर उनके चेहरे पर अभी भी एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी बात से परेशान हो। वर्चस्विनी फिर बोल पड़ती है, अब सब ठीक हो जाएगा पुजारी जी, देखना अब मेरी तारा जल्दी होश में आ जाएगी, महादेव उसके साथ। कार्तिक पुजारी कुछ मायूसी के साथ ही कहते हैं, महादेव करे ऐसा ही हो, वरना अगर कालगढ़ बनने से पहले तारा को होश नहीं आया तो फिर उसकी शक्ति जागृत हो जाने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समस्त ब्रह्मांड पर उस भक्षानर का राज होगा, चारों तरफ काली शक्तियों का जाल बिछ चुका होगा। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर वर्चस्विनी के चेहरे पर भी फिर से मायूसी छा जाती है। वर्चस्विनी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए महादेव से कहती है, हे महादेव, मेरी तारा को जल्दी होश में ला दीजिए, अब एक आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरफ डायना की नजर उसके हरे हीरे पर पड़ गई थी, जो जमीन पर बने हुए ट्रायंगल के अंदर बनी आंख के पास रखा हुआ था। वो यही सोच रही थी कि कैसे वो उस हीरे के पास पहुंचे, उसे कैसे भी करके अपना हीरा वापस से हथियाना था, तभी वो कुछ कर सकती थी। रही अभिमन्यु की बात, तो उसका दर्द धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। उसका उल्टा हाथ अब उठ ही नहीं रहा था, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काले साय ने चैटर्जी से वज्र छीन कर उसे पहले ही नष्ट कर दिया था। शक्तियां चले जाने के कारण युग भी और ज्यादा कमजोर पड़ गया था। डायना कुछ करने का सोच ही रही थी कि तभी आसमान में जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसके अंदर हलचल होने लग जाती है। देखते ही देखते उस सुनहरे द्वार के अंदर से ढेर सारे बॉटफ्लाई और धुआं निकलते हुए जमीन की तरफ आने लग जाते हैं, और अगले ही पल काला साया उन सबको नजर आने लग जाता है, जो सीधे आकर जमीन पर बने निशान के पास आकर बैठ जाता है। उसने अपने हाथ में ढेर सारी बोतलें पकड़ कर रखी हुई थी, पर हर बोतल के सामने ढेर सारा धुआं छाया हुआ था, जिस कारण समझ ही नहीं आ रहा था कि उन बोतलों के अंदर क्या है। यामिनी उन बोतलों को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, पहले तो इन बोतलों के आसपास इतना सारा धुआं छाया हुआ नहीं था, अब इन बोतलों के आसपास इतना सारा धुआं कैसे, आखिर क्या है इनके अंदर। काला साया उन बोतलों को भी आंख के निशान के पास जो बोतलें पहले से रखी हुई थी उनके पास जमाने लग जाता है। सबकी नजर काले साये पर टिकी हुई थी। बिंदु, कायर और कछुआ डरते हुए काले साये की तरफ ही देख रहे थे। देखते ही देखते काला साया सारी बोतलों को आंख के निशान के पास जमा देता है। अगले ही पल काला साया मंत्र पढ़ता है, और जैसे ही वो पूरा मंत्र पढ़ता है बोतलों के आसपास जो धुआं छाया हुआ था वो हटने लग जाता है। बोतलों के अंदर जो यक्षिणी कैद थी वो सबको नजर आने लग जाती है, पर उन यक्षिणियों की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती हैं। उनकी चीखें बोतल के अंदर ही दबकर रह जाती है। जैसे ही बाकी सबकी नजर बोतलों के अंदर कैद यक्षिणियों पर पड़ती है सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है, सबको सांप सूंघ गया था। यामिनी बोतलों के अंदर कैद यक्षिणी को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये तो वही यक्षिणियां हैं जो यक्षिण लोक में रहा करती हैं, जिनके बारे में रज्जन ने मुझे बचपन में बताया था। यामिनी के ये बात कहते ही युग को भी याद आ जाता है कि एक बार कुएं के पास बैठकर यामिनी ने उस यक्षिण लोक की 64 यक्षिणियों के बारे में बताया था। युग की भी आंखें इतनी सारी यक्षिणी को एक साथ देख कर खुली की खुली रह गई थी। काला साया मुस्कुराहट के साथ यामिनी से कहता है, तूने बिल्कुल सही पहचाना यामिनी, ये वही यक्षिणियां हैं। आखिर कालगढ़ बनाने के लिए मुझे इन्हीं की शक्तियों की तो जरूरत है। वो क्या है ना, एक एक यक्षिणी की साधना करके उसे पृथ्वी लोक पर बुलाता तो बहुत वक्त लग जाता मुझे कालगढ़ बनाने में। आखिर तेरी माँ को भी तो पृथ्वी लोक बुलाने में मुझे सदियां लग गई थी, अपने बाजुओं की बलि दी थी तब वो आई थी। इसीलिए तारा की दैवीय शक्ति छीनने के बाद मैंने एक ऐसा सुनहरा द्वार बनाया जो सीधे यक्षिण लोक के यक्षिण महल में खुलता था।
जहां पर यक्षिणियां रहा करती हैं। वहीं से मैं इन्हें हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात पकड़ कर लाता था, पर इन्हें पकड़ने में मेरी काली शक्तियां भी कम होती जाती थी, इसीलिए मैं अपने ही साथियों से उनकी काली शक्तियां छीनते रहता था ताकि और शक्तिशाली होकर और यक्षिणियों को पकड़ सकूं। और देख, आज मैं सारी यक्षिणियों को पकड़ लाया हूं। अब यक्षिण लोक में एक भी यक्षिणी नहीं बची। उन सारी यक्षिणियों को कैद देख यामिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। काला साया फिर बोल पड़ता है, ऐसे क्या देख रही है? ये सब मेरी कोई एक दो साल की मेहनत नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत है। कामेश्वरी यक्षिणी का कामुक बदन देखकर मेरे अंदर की वासना जाग गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि एक दिन मैं सारी यक्षिणियों को देखूंगा भी और उन्हें चखूंगा भी, इसलिए मैंने पहले से ही इसकी सारी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। काला साया एक लंबी आह भरते हुए कहता है, जब मैं अनुराग के शरीर में घुसा था उसी वक्त से मैंने शिकार करने शुरू कर दिए थे, और उस शिकार से मुझे जो ताकत हासिल होती थी उससे मैं अलग अलग शक्तियों को एकत्रित करके शक्तियों से भरी हुई बोतलें बनाता था और अदृश्य कमरे में रख दिया करता था ताकि उन बोतलों की शक्तियों को कुछ होना और वक्त आने पर मैं उनका उपयोग कर सकूं। जैसे ही अभिमन्यु काले साय की ये बात सुनता है, उसके समझ आ जाता है कि अदृश्य कमरे में जो रैक बनी हुई थी उसके अंदर सिर्फ 64 खाने थे। क्यों उन खानों में सिर्फ 64 शक्तियों से बनी हुई बोतलें रखी हुई थी? क्योंकि यक्षिणियों की संख्या भी सिर्फ 64 थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, पहले यक्षिणियों को कैद करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ हवस था, वो तो बाद में मुझे पता चला कि यक्षिणियों की शक्ति का प्रयोग करके कालगढ़ बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने और तेजी के साथ यक्षिणी को कैद करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु काले साय से पूछ पड़ता है, यानी तूने सारी 64 यक्षिणियों को पकड़ लिया? काला साया पलट कर कहता है, सारी नहीं अभिमन्यु, एक यक्षिणी अभी भी बची हुई है जो इस पृथ्वी लोक पर ही आजाद घूम रही है, और तू अच्छे से जानता है कि वो कौन है। युग दर्द से कराहते हुए बोल पड़ता है, कामेश्वरी यक्षिणी। काला साया हंसते हुए कहता है, तूने बिल्कुल सही कहा मेरे वंशज, मेरे खून। काला साया यामिनी की तरफ देखते हुए नाटकीय ढंग से कहता है, तेरी माँ कैसी है यामिनी? उसे तुझसे प्यार भी है या नहीं? अब तक तो उसे तुझे बचाने के लिए आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, तेरी माँ यहाँ पर नहीं आई तो क्या हुआ, मैं ही उसे बुला लेता हूँ। यामिनी गुस्से के साथ काले साये को घूरते रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। काला साया फिर बोल पड़ता है, पहले मैंने सोचा था आखिरी में कालगढ़ बनने के बाद मैं तेरी माँ को मार ही दूंगा, पर जब से मैंने इन सारी यक्षिणियों को देखा है तो इन्हें देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो बात कामेश्वरी के बदन में है वो किसी और यक्षिणी के बदन में नहीं। मुझे नहीं लगता इन यक्षिणियों का बदन मुझे रास आएगा, मुझे अपनी वासना के लिए कामेश्वरी यक्षिणी के बदन की ही जरूरत पड़ेगी। यामिनी अपनी मुट्ठी भींचते हुए चीखते हुए कहती है, भक्षानर। काला साया फिर बोल पड़ता है, लगता है मुझे तेरी माँ को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। इतना कहकर काला साया अपने दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र का जाप करते हुए कहता है, ओम हीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस तरफ कामेश्वरी यक्षिणी स्थानांतरण द्वार से सीधे औषधीय पहाड़ी के पास पहुंच गई थी। इस वक्त कामेश्वरी यक्षिणी औषधीय पहाड़ी के दूसरी तरफ थी, उस तरफ जिस तरफ से लालखाल जंगल शुरू होता था। पूर्णिमा शुरू होने के बावजूद भी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, आसमान में चांद कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले साये की काली शक्तियों ने चांद की चांदनी को भी ढक लिया है। हर तरफ घने काले बादल नजर आ रहे थे और उन्हीं बादलों के नीचे कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को अपने कंधे के ऊपर लेकर खड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी अपने आसपास देखते हुए कहती है, चैटर्जी का संदेश समझकर मैं शिवलिंग लेकर यहाँ पर तो आ गई, पर मैं इस शिवलिंग की स्थापना ऐसी कौन सी जगह करूँ जहाँ से मेरी शक्तियाँ इस लालखाल जंगल में भी काम करने लग जाए। कामेश्वरी यक्षिणी यही सोचने लग जाती है, तभी उसकी एक नजर लालखाल जंगल में लगे चमड़ी की तरह लटक रहे लाल पेड़ों पर पड़ती है और उसी के साथ नीचे जो खून की तरह लाल पानी बह रहा था उस पर पड़ती है। फिर एक नजर औषधीय पहाड़ी पर पड़ती है जिसका शिखर काफी ऊंचा था। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि उसे शिवलिंग की स्थापना कहाँ पर करनी है। कामेश्वरी यक्षिणी औषधीय पहाड़ी को देखते हुए कहती है, उस भक्षानर ने मेरे उस दैवीय झरने को नष्ट किया था जहाँ पर मैं महादेव की आराधना करती थी, और अब मैं उसके कालगढ़ बनाने की जगह को नष्ट करूंगी यहाँ पर दैवीय झरने की स्थापना करके।
इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग को महादेव का जाप करते हुए ही औषधीय पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा जो समतल पत्थर रखा हुआ था उस पर रख देती है। कामेश्वरी यक्षिणी लालखाल जंगल में नीचे तल पर जो पानी बह रहा था उस तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है वहां का खून की तरह लाल पानी अपने आप कम होने लग जाता है, सूखने लग जाता है और देखते ही देखते लाल खाल जंगल के अंदर का सारा लाल पानी सूख जाता है। वहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं बचती है। ये सब देखकर कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आने लग जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो कामयाब हो गई है, उसकी शक्तियां लाल खाल जंगल में काम करने लग जाएगी। कामेश्वरी यक्षिणी अगले ही पल औषधीय पहाड़ी के शिखर की तरफ देखती है और जैसे ही एक मंत्र पढ़ती है शिखर से लाल पानी की धारा बहने लग जाती है जैसे कोई झरना बह रहा हो। उस झरने का लाल पानी सीधे शिवलिंग के ऊपर गिरने लग जाता है, पर जैसे जैसे ही वो लाल पानी शिवलिंग पर गिर रहा था वो नीचे आकर सफेद होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कामेश्वरी यक्षिणी शिवलिंग का अभिषेक कर रही हो और महादेव अपनी लीला दिखाकर उस पानी को शुद्ध कर रहे हो। अगले पल आसमान में तेज सफेद रोशनी नजर आने लग जाती है। ये सफेद रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि चांद की आ रही थी। आसमान के घने काले बादल छटने लग जाते हैं, चांद नजर आने लग जाता है जैसे महादेव ने अपने सिर पर धारित किए हुए चांद का मुख मोड़ दिया हो और गंगा माँ के तौर पर झरने के पानी को अपने ऊपर धारित कर लिया हो। ये दृश्य देखकर कामेश्वरी यक्षिणी मोहित होकर शिवलिंग को बस देखते ही रह जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे महादेव उसे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। झरने से जो पानी शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था वो पानी शिवलिंग से होते हुए लाल खाल जंगल के अंदर जाने लग जाता है और जैसे ही वो पानी पेड़ों की जड़ों में जाता है वो पेड़ लाल रंग से वापस से हरे रंग के होने लग जाते हैं, वो सारे पेड़ नॉर्मल हो जाते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी महादेव के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, आपकी लीला अपरंपार है महादेव, बस अब मेरा इतना साथ और दे दीजिए कि मैं उस काले साए का अंत कर दूं, चाहे तो बाद में आप स्वयं मेरे प्राण ले लीजिएगा। कामेश्वरी यक्षिणी ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में बार बार भक्षानर के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंजने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि भक्षानर फिर से उसकी साधना कर रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मैं आ रही हूँ भक्षानर, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ तेरा अंत करने। इस तरफ काला साया लगातार कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ते जा रहा था। बाकी सबकी नजर भी उस पर टिकी हुई थी, बस डायना ही थी जिसकी नजर उसके हरे हीरे पर टिकी हुई थी जिसे वो पाना चाहती थी, पर कैसे ये उसे नहीं पता था। हर कोई खौफ में था। कायर, कछुए और बिंदु के अंदर का डर तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उन्हें उनकी मौत करीब आते नजर आने लग गई थी। काला साया फिर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम हीम आगच्छ आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस बार जैसे ही काला साया मंत्र पढ़ता है उसे दूर से एक जुगनू आता हुआ नजर आने लग जाता है और उस जुगनू के पीछे पीछे ही ढेर सारे जुगनू आते हुए नजर आने लग जाते हैं। उन जुगनुओं को देखकर योग यामिनी अभिमन्यु और डायना चारों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है क्योंकि वो जान गए थे कि ये किसके आने की आहट थी। देखते ही देखते काले साए के सामने ढेर सारे जुगनू नजर आने लग जाते हैं। एक तेज पीली रोशनी होती है जो काले साए की आंखों में चुभने लग जाती है जिस कारण काला साया मंत्र पढ़ना तो बंद करता ही है साथ में अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे उसके सामने कामेश्वरी यक्षिणी नजर आने लग जाती है जिसके सिर का ताज आज कुछ ज्यादा ही उसके सिर पर शोभा दे रहा था। जब कामेश्वरी यक्षिणी वहां पर यामिनी युग और बाकी सबको बंधा हुआ देखती है तो उसकी आंखें कुछ नम होने लग जाती है, पर घबराहट तो उसकी तब बढ़ जाती है जब वो वहां पर बाकी की यक्षिणियों को कैद में देखती है। उन यक्षिणियों की कैद हुई बॉटलों को देखते ही कामेश्वरी समझ जाती है कि सारा मामला क्या था, काला साया किस तरह से कालगढ़ बना रहा था। वो समझ जाती है कि उसे कालगढ़ बनाने के लिए यक्षिणियों की शक्तियों की जरूरत थी, तभी उसने उन्हें इस तरह से बॉटल में कैद करके रखा हुआ था। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी से कुछ कहने वाली थी कि तभी काला साया कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो तू आ गई कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ कहती है, मुझे तो आना ही था भक्षानर तेरा अंत करने के लिए। काला साया हंसते हुए कहता है, जरा नियति का खेल तो देख कामेश्वरी, नियति मुझे फिर उस जगह पर ले आई है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तुझे याद है तेरी और मेरी, हम दोनों की कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? कामेश्वरी यक्षिणी कुछ नहीं कहती है, चुप ही खड़ी रहती है। काला साया खुद ही बोल पड़ता है,
सदियों पहले जब मुझे ब्रह्मांड पर राज करने के लिए तेरे ताज में लगे लाल हीरे की जरूरत थी, उस वक्त भी मुझे तेरी साधना करके तुझे यक्षिण लोक से पृथ्वी लोक पर बुलाना पड़ा था। और आज जब मैं कालगढ़ बनाने जा रहा हूँ तो मुझे फिर से तेरी साधना करनी पड़ी और तुझे मेरे बुलाने पर यहाँ आना ही पड़ा। कामेश्वरी यक्षिणी गुस्से के साथ पलट कर कहती है, तूने सही कहा भक्षानर, नियति हमें फिर उसी जगह पर ले आई है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, और आज नियति एक बार फिर वही चक्र दोहराएगी। उस रात भी मैंने तेरा अंत किया था और इस रात भी मैं तेरा अंत ही करूंगी। ये तेरी जिंदगी की पृथ्वी लोक पर अंतिम रात है भक्षानर। काला साया कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, ये मेरी अंतिम रात नहीं कामेश्वरी, ये तो मेरी कालगढ़ बनाने की रात है, और इसके बाद सारी रातें भी मेरी होंगी और दिन भी मेरे ही होंगे। पूरे ब्रह्मांड पर हर जगह सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतना कहकर काला साया कसकस कर हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। युग कामेश्वरी यक्षिणी को अकेला देखकर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, कामेश्वरी जी के साथ तारा क्यों नहीं आई, ये अकेले क्यों आई है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, लगता है तारा की अभी तक दैवी शक्ति जागृत नहीं हुई है, तभी माँ यहाँ पर अकेले आई है। डायना कुछ डर के साथ कहती है, इन्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था, ये भक्षानर इन्हें भी कैद कर लेगा और फिर कालगढ़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। डायना की बात सुनकर कछुआ कायर और बिंदु के अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। काला साया अगले ही पल अपनी नजरें उस बॉटल की तरफ करता है जो अब तक खाली थी, जिसे उसने बिजली की शक्ति से बनाया था कामेश्वरी यक्षिणी को कैद करने के लिए। जैसे ही काला साया उस बॉटल की तरफ अपनी नजरें करता है, वो बॉटल उड़ते हुए सीधे काले साये के हाथ में आ जाती है। काला साया हंसते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, बाहर की हवा तूने बहुत खा ली कामेश्वरी, अब तेरे कैद होने का वक्त आ गया है। जब 64 की 64 यक्षिणियां कैद होंगी, आखिर तभी तो बनेगा मेरा कालगढ़। इतना कहकर काला साया मंत्र पढ़ने लग जाता है। वो मंत्र पूरा पढ़ता उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी अपना एक हाथ काले साये के सामने करती है और उसी वक्त उसके हाथों से ढेर सारे जुगनू निकलने लग जाते हैं, जो सीधे जाकर काले साये के पास आकर मंडराने लग जाते हैं। कुछ जुगनू काले साये के मुंह के पास मंडरा रहे थे तो कुछ उसके कानों में, जिस कारण उसे मंत्र पढ़ने में दिक्कत होने लग जाती है। वो जुगनू तेज पीली रोशनी के साथ काले साये के सामने मंडराने लग जाते हैं, जिस कारण काले साये की आंखों में जलन होने लग जाती है और वो मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। काला साया उन जुगनुओं को अपने आसपास से हटाने की कोशिश करते हुए गुस्से के साथ कहता है, ये कैसे हो रहा है, तेरी शक्तियां यहाँ पर कैसे काम कर रही है कामेश्वरी, तू क्या करके आई है? कामेश्वरी यक्षिणी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं तेरे अंत का पूरा इंतजाम करके आई हूँ भक्षानर। वो जगह जो तूने कालगढ़ के लिए चुनी थी, जिसे तूने काली शक्तियों का स्रोत बनाया था, उस जगह को मैंने अब पवित्र कर दिया है महादेव की स्थापना करके। अब यहाँ पर तेरी नहीं बल्कि सभी की शक्तियाँ काम करेगी। कामेश्वरी यक्षिणी की ये बात कहते ही काला साया अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पल उसे सब कुछ दिख जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी कैसे शिवलिंग की स्थापना करके आई थी और कैसे उसने लाल खाल जंगल को नॉर्मल कर दिया था। काला साया आक्रोश के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, तो तू मुकाबले की तैयारी करके आई है कामेश्वरी, तू मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है? कामेश्वरी यक्षिणी भी उसी लहजे में पलट कर कहती है, मुकाबला बराबरी वालों के साथ किया जाता है भक्षानर, और तू मेरे मुकाबले के काबिल नहीं है। मैं तो तुझे चुटकियों में रौंद कर रख दूंगी, तेरा वो हाल करूंगी कि तू डरेगा अगला जन्म लेने से भी। कामेश्वरी यक्षिणी की बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि कामेश्वरी यक्षिणी भक्षानर को लड़ने के लिए उकसा रही थी और काला साया भी उसकी बातों में आने लग गया था। कामेश्वरी यक्षिणी फिर बोल पड़ती है, तेरे पास उतनी शक्तियां नहीं है कि तू मुझसे लड़े भक्षानर। काला साया गुस्से के साथ कहता है, तू अभी रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। इतना कहकर काला साया गुस्से के साथ अपनी जगह पर से उठ जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, जैसे वो यही चाहती थी। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैंने सोचा था तुझे ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, बिल्कुल भी तड़पाऊंगा नहीं, सीधे सीधे बॉटल में कैद करूंगा और कालगढ़ सिद्ध कर दूंगा, पर तू एक औरत है ना, और एक औरत को जब तक उसकी औकात ना दिखाओ तब तक वो एक आदमी की बात मानती कहाँ है, तू भी उन्हीं औरतों में से एक है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, औकात तो मैं तुझे आज दिखाऊंगी भक्षानर, तेरा अंत करके। काला साया गुस्से के साथ कहता है,
मेरा अंत अनंत है, मेरा अंत अनंत है, अनंत 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 बोलकर ही काला साया अगले ही पल हवा में ऊपर उठने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपनी शक्तियों को प्रयोग करने लग जाती है और ऊपर हवा में उठने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी और काला साया जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर आ गए थे एक दूसरे से लड़ने के लिए। सभी की नजर उन दोनों पर टिकी हुई थी। काला साया अपने दोनों हाथ जोड़ता है और मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाता है। उसकी आंखों की पीली रोशनी बढ़ने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी भी मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाती है। उसके ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो तेजी के साथ और ज्यादा लाल रोशनी में चमकने लग गया था। काला साया और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों ही अपनी शक्तियों को एकत्रित करने में लगे हुए थे। उसी वक्त कामेश्वरी यक्षिणी काले साये की आंखों में गौर से देखने लग जाती है और उसे काले साये की आंखों में काले रंग के 4 निशान बने हुए नजर आने लग जाते हैं। पहला निशान था पानी का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर और चौथा इन्फिनिटी। वही 4 निशान जो युग की कलाई और अनुराग की कलाई पर बने हुए थे, बस 5वां निशान बना हुआ नहीं था। उन निशानों को देखकर कामेश्वरी यक्षिणी समझ जाती है कि भक्षानर किन शक्तियों का उपयोग करने वाला है। काला साया अपने दोनों हाथ आगे करता है और मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम जलम 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 जल तो पेन तम मार्यंतु। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। ओम जलम 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 जल तो पेन तम मार्यंतु। जैसे ही काला साया मंत्र पूरा पढ़ता है उसके दोनों हाथों में से पानी की मजबूत बौछार निकलने लग जाती है जो तेजी के साथ कामेश्वरी की तरफ जाने लग जाती है। कामेश्वरी भी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, महादेवाय एतत् जल वृष्टिम निवर्तयतुम। जैसे ही कामेश्वरी का मंत्र पढ़ना पूरा होता है उसके हीरे में से लाल रोशनी निकलने लग जाती है। कामेश्वरी के हीरे से निकलती रोशनी और काले साये के हाथ में से निकलते पानी की बौछार आपस में टकराने लग जाती है। सभी की निगाहें कामेश्वरी और काले साये पर टिक गई थी। कामेश्वरी के हीरे से लाल रोशनी और काले साये के हाथों से पानी की बौछारें लगातार निकलते जा रही थी और एक दूसरे से टकराते जा रही थी। देखते ही देखते पानी की बौछार कामेश्वरी के पास पहुँचने लग जाती है और अगले ही पल उसके ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था उस पर एकदम हल्की सी दरार आ जाती है। ये देखकर काला साया मुस्कुराने लग जाता है। काला साया हंसते हुए कहता है, क्या कहा था तूने कामेश्वरी कि मैं तेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाऊंगा। अब बता कौन नहीं टिक पा रहा है, दिख गई तुझे तेरी औकात। कामेश्वरी गुस्से के साथ मंत्र पढ़ती है, महादेवाय तस्मात सर्वम जलम शोषयन्तु। जैसे ही उसका मंत्र पढ़ना पूरा होता है लाल रोशनी तेज हो जाती है और वो पानी की बौछार को कम करने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल रोशनी सारे पानी को अपने अंदर सोख रही हो। ये देखकर जो खुशी भक्षानर के चेहरे पर आई थी वो गायब होने लग जाती है, वो घबराने लग जाता है। देखते ही देखते भक्षानर की आंख में जो पानी की बूंद का निशान था वो मिटने लग जाता है। ये इस बात का संकेत था कि भक्षानर के पास की पानी की शक्ति कम हो रही थी और ये बात भक्षानर भी जान गया था। काला साया मन में सोचने लग जाता है, मुझे कुछ और करना होगा, अपनी अगली शक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे ही काले साये की पीली आंख में से पानी का निशान पूरी तरह से मिट जाता है उसके हाथों से पानी निकलना बंद हो जाता है। ताज की लाल रोशनी भी वापस से कामेश्वरी के ताज में लगे लाल हीरे में चले जाती है। कामेश्वरी कहती है, मैंने कहा था ना भक्षानर, तू मेरे सामने नहीं टिक सकता है, तू मेरे लिए वो कीड़ा है जिसे मैं अपनी चींटी उंगली से मसल कर रख दूं। कामेश्वरी की बात सुनकर काले साये का गुस्सा बढ़ने लग जाता है और अगले ही पल वो फिर मंत्र पढ़ते हुए बोल पड़ता है, भस्मम कृत्वा दहतुम। इसी मंत्र के साथ काले साये के दोनों हाथों में से आग के बड़े बड़े गोले बौछारों के रूप में निकलने लग जाते हैं जो कामेश्वरी की तरफ जाने लग जाते हैं। कामेश्वरी उसी वक्त मंत्र पढ़ती है पर इस बार उसके ताज में से लाल रोशनी नहीं निकलती है बल्कि वो पानी निकलने लग जाता है जो उस ताज की शक्ति ने सोख लिया था। आग और पानी आपस में टकराने लग जाते हैं। कामेश्वरी और काला साया दोनों लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं और देखते ही देखते कामेश्वरी काले साये पर भारी पड़ने लग जाती है। कामेश्वरी काले साये की आग की शक्ति को भी खत्म करने लग जाती है। ये देखकर भक्षानर घबराने लग जाता है
उसके चेहरे पर कामेश्वरी के लिए डर पनपते हुए नजर आने लग गया था। अगले ही पल कालीसाई की आंख की पुतली में से आग का निशान भी मिट जाता है। कालीसाई के हाथों में से आग निकलना भी बंद हो जाता है। कामेश्वरी ने अपने ताज की शक्ति से कालीसाई की आंख के अंदर के आग के निशान को मिटा तो दिया था, पर उस वजह से उसके हीरे पर एक और दरार आ गई थी, जो इस बार काफी बड़ी थी, जो दूर से ही नजर आ रही थी, जिस पर कालीसाई की नजर भी पड़ गई थी। कालासाया मन में सोचता है, सिर्फ मैं ही कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ, ये कामेश्वरी भी कमजोर पड़ रही है। बस कुछ देर और फिर मैं इसे हरा दूंगा। इतना कहकर कालासाया फिर मंत्र पढ़ते हुए कहता है, व्याघ्र शक्ति तस्य उपरी आक्रमणम करोति। इतना कहते ही कालीसाई के हाथों में से हवा के तेज झोंके निकलने लग जाते हैं। कामेश्वरी भी मंत्र पढ़ती है और ताज के हीरे के अंदर से ही एक तरफ से आग निकलती है तो एक साइड से पानी, और दोनों एक साथ उस हवा के झोंके से जाकर टकराने लग जाते हैं। कालासाया भी मंत्र पढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहा था, हवा का झोंका एक बड़ी से बवंडर का रूप लेने लग गया था। इतने बड़े बवंडर का कि कामेश्वरी खुद उस बवंडर के सामने छोटी लगने लग गई थी। वो आग और पानी भी उस बवंडर के सामने कुछ नहीं लग रहे थे। देखते ही देखते वो बवंडर कामेश्वरी के पास आने लग जाता है और कामेश्वरी उस बवंडर के अंदर समा जाती है, खुद उस बवंडर के अंदर घूमने लग जाती है, जिस कारण वो मंत्र ही नहीं पढ़ पाती है और उसके ताज में से आग और पानी की शक्ति निकलना बंद हो जाती है। कामेश्वरी बवंडर के अंदर गोल गोल घूमने लग जाती है। ये देखकर कालासाया हंसने लग जाता है। उसे अपनी जीत दिखने लग जाती है, पर तब भी वो मंत्र पढ़ते रहता है। कालीसाई के अंदर जितनी भी हवा की शक्ति थी वो उस बवंडर के अंदर झोंकने लग जाता है। उसकी आंख के अंदर से वो बवंडर का निशान भी धीरे धीरे मिटने लग गया था। कामेश्वरी को बवंडर में फंसा हुआ देखकर बाकी सबकी टेंशन बढ़ जाती है। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी माँ की मदद करे, और युग की शक्तियां तो वैसे ही जा चुकी थी। अभिमन्यु भी घायल ही था। डायना की नजर काफी देर से उसके हीरे के ऊपर थी जिसे वो पाना चाहती थी। वो समझ जाती है कि हीरा पाने का यही सही मौका था, क्योंकि कालीसाई का ध्यान कामेश्वरी के ऊपर है। डायना मन में सोचती है, मुझे कामेश्वरी जी की मदद करनी होगी इस भक्षानर को मारने में। डायना के पीछे ही अगल बगल दो मुर्दे भाला लेकर खड़े हुए थे ताकि वो जरा सी भी होशियारी दिखाए तो वो डायना को मार दे। डायना गुस्से के साथ कहती है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। डायना अगले ही पल अपनी पूरी ताकत के साथ अपने एक एक पैर उसके पीछे खड़े मुर्दों के पंजों पर मारती है और उन्हें चकमा देकर हरा हीरा लेने के लिए उसके पास भागने लग जाती है। डायना को ऐसा करते देख अभिमन्यु, युग, यामिनी, कछुआ, कायर और बिंदु का ध्यान भी उस पर चले जाता है। अभिमन्यु डायना से कहता है, रुको डायना, भागो मत। डायना अभिमन्यु की एक नहीं सुनती है, हीरा लेने के लिए भागते रहती है। डायना हीरे के पास पहुंच पाती उससे पहले ही कालीसाई की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस कारण वो मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। कालासाया गुस्से के साथ कहता है, डायन मुझसे होशियारी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डायना उस हरे हीरे के पास पहुंच जाती है। डायना उसे छूने के लिए अपने दोनों बंधे हुए हाथ आगे बढ़ाई रही थी कि तभी कालासाया अपना एक हाथ लंबा करता है और वो हाथ सीधे जाकर डायना की चोटी पकड़ लेता है और उसे हीरे से दूर खींचने लग जाता है। डायना दर्द से कराती है, आह आह। अभिमन्यु चीखते हुए कहता है, भक्षानर छोड़ मेरी डायना को। इतना कहकर अभिमन्यु डायना की तरफ भागने लग जाता है, पर उसके पीछे खड़े मुर्दे उसके सिर पर गदा दे मारते हैं, जिस कारण वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लग जाता है और वो दोबारा उठ नहीं पाता है। अभिमन्यु जमीन पर पड़े पड़े ही तड़पने लग जाता है। डायना के पास जाने की कोशिश तो करता है पर जा नहीं पाता है। अभिमन्यु डायना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दर्द से कराहते हुए कहता है, मेरी डायना को छोड़ दे भक्षानर। कालासाया गुस्से के साथ कहता है, अब छोड़ूंगा नहीं, सीधे मारूंगा। मेरे हाथ में इसकी चोटी नहीं बल्कि इसकी जान है, आखिर एक डायन की जान उसकी चोटी में ही तो होती है। इतना कहकर कालासाया अपना दूसरा हाथ भी लंबा करता है, जमीन पर रखी कुल्हाड़ी को उठाता है और खच से उस कुल्हाड़ी से डायना की चोटी को काट देता है। डायना दर्द से तड़पते हुए कस कर चीखती है, आह! डायना की चीख सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। उसकी ये चीख करीब 2 मिनट तक आसमान में गूंजती रहती है, और जैसे ही उसकी चीख की गूंज कम होती है, उसकी चोटी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, और उसकी चोटी के गिरने के साथ ही उसका शरीर भी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। डायना का मुंह अभिमन्यु के मुंह की तरफ हो जाता है। अभिमन्यु रोते हुए चीख पड़ता है, डायना।
अभिमन्यु के पीछे पीछे यामिनी, युग, कछुआ, कायर, बिंदु सब चीख पड़ते हैं, पर वो जानते थे कि उन्हें काफी देर हो चुकी थी। भक्षानर डायना को मार चुका था, पर मरते हुए भी डायना अभिमन्यु की तरफ ही देखे जा रही थी, जैसे वो अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए मरना चाहती हो। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश हो। उसकी आंखों में अभी भी अभिमन्यु के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था, वो प्यार जो मरते वक्त भी कम नहीं हुआ था। अभिमन्यु भी रोते हुए डायना की तरफ देखते रहता है। वो उठकर डायना के पास जाना चाहता था, पर सिर पर चोट लगने के कारण वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो अपने प्यार को आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था, वो प्यार जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता था, वो प्यार अब उससे जुदा हो रहा था। अभिमन्यु भी रोते हुए डायना की तरफ देखते रहता है। वो उठकर डायना के पास जाना चाहता था, पर सिर पर चोट लगने के कारण वो उठ ही नहीं पा रहा था। वो अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहा था, वो प्यार जिससे वो शादी करना चाहता था, जिसके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहता था, वो प्यार अब उससे जुदा हो रहा था। देखते ही देखते डायना की आखिर दिल की धड़कनें थम जाती हैं और अभिमन्यु की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। वो बिलक बिलक कर रोने लग जाता है। सिर्फ अभिमन्यु ही नहीं, बल्कि बाकी सब भी रोने लग गए थे। डायना की इस मौत ने सबको तोड़ कर रख दिया था। डायना की चोटी जो कटकर अभी भी सिर कटे हुए सांप की तरह रेंगते हुए झटपटा रही थी, उसकी झटपटाहट बंद हो जाती है और अगले ही पल डायना की चोटी अपने आप जलकर खाक हो जाती है। उसी के साथ डायना का शरीर भी जलकर राख हो जाता है। काले साये के हाथ वापस से छोटे हो जाते हैं। काला साया हंसते हुए कहता है, मर गई डायन, मर गई, अब तुम सब भी मरोगे। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भक्षानर। इतना कहकर अभिमन्यु उठने की कोशिश तो करता है, पर अगले ही पल धड़ाम से फिर जमीन पर गिर जाता है। काला साया हंसते हुए फिर बोल पड़ता है, एक डायन की मौत का इतना दुख कि मुझसे लड़ने चला है। अभिमन्यु गुस्से के साथ ही बोल पड़ता है, वो डायन नहीं, मेरा प्यार थी, वो प्यार जो तूने मुझसे छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। काला साया हंसते हुए कहता है, पहले अपने पैरों पर खड़े तो हो जा डायन के प्रेमी, फिर मुझे मारना। अभिमन्यु फिर उठने की कोशिश करता है, पर फिर नहीं उठ पाता है। इधर कामेश्वरी अभी भी बवंडर के अंदर फंसी हुई थी, पर डायना की चीख सुनकर वो समझ गई थी कि डायना अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इस बात का जैसे ही उसे एहसास होता है, कामेश्वरी को भी गुस्सा आने लग जाता है। वो और तेजी के साथ मंत्र पढ़ने लग जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और देखते ही देखते वो बवंडर छोटा होने लग जाता है। कामेश्वरी उस बवंडर की हवा को भी अपने ताज में खींचने लग जाती है। जब काला साया बवंडर को छोटा होते हुए देखता है, तो वो समझ जाता है कि उसकी बवंडर की शक्ति भी खत्म होने वाली है। अगले ही पल उसकी आंख की पुतली से बवंडर का निशान भी मिट जाता है। अब उसकी आंख में बस एक निशान बचा हुआ था, वो था इन्फिनिटी का, यानी जीवन मरण चक्र का। काला साया मन में सोचने लग जाता है, मेरे पास तो अब बस जीवन मरण की शक्ति बची हुई है, पर इस शक्ति का उपयोग करने के लिए मुझे किसी के शरीर की जरूरत पड़ेगी। मुझे उसका रूप लेना होगा, उसे मारना होगा, तभी मेरा एक नया जन्म होगा। सिर्फ नया जन्म नहीं होगा, बल्कि पानी, आग और बवंडर की जो शक्ति मेरे पास से चली गई है, वो शक्ति भी वापस आ जाएगी और फिर मैं इस कामेश्वरी से लड़ूंगा। पर मैं शरीर किसका लूं? काला साया युग की तरफ देखते हुए कहता है, मन तो कर रहा है इस युग का ही शरीर ले लूं, पर इसका रूप लेना भारी पड़ सकता है। वो मुझे इतनी आसानी से अपना रूप नहीं देगा, और ये कायर और कछुआ भी मेरे सेवक रह चुके हैं, तो वो उतने काम के नहीं, उनका शरीर वैसे ही कमजोर है। अगले ही पल काले साये की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है, जो उठने के लिए तड़प रहा था। काला साया अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, इस डायन के आशिक का शरीर लेता हूं, बहुत प्यार करता है ना अपनी प्रेमिका से, आज इसे भी मारकर इसकी प्रेमिका के पास ही भेज दूंगा। काला साया तुरंत अभिमन्यु के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तू लड़ना चाहता था ना मुझसे, आ लड़। इतना कहकर काला साया अभिमन्यु के हाथ जो काले धुएं की रस्सी से बंधे हुए थे, वो खोल देता है। अभिमन्यु जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा होता है, गुस्से के साथ मुक्का काले साये को मारने लग जाता है। वो मुक्का काले साये पर पड़ता, उससे पहले ही काला साया अभिमन्यु का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में एक टक देखने लग जाता है। देखते ही देखते काला साया अभिमन्यु का रूप लेने लग जाता है। अभिमन्यु के चेहरे की स्किन काली पड़ने लग जाती है। ये देखकर युग, यामिनी और बाकी सब घबरा जाते हैं। युग दर्द से कराहते हुए कहता है, मेरे दोस्त को छोड़ दे भक्षानर, छोड़ मेरे दोस्त को। काला साया हंसते हुए ही अभिमन्यु का रूप लेते रहता है।
अभिमन्यु के चेहरे से उसके पार्टिकल निकलते रहते हैं और काले साई के चेहरे पर जाने लग जाते हैं। अभिमन्यु का रूप काले साई को मिलने लग गया था। अभिमन्यु कस कस कर दर्द से कराहे जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा हो। उसकी आंखों के सामने बार बार डायना का चेहरा नजर आने लग गया था। जैसे जैसे काला साया अभिमन्यु का रूप लेते जा रहा था, उसकी आंखों से वो आधा इन्फिनिटी का निशान भी मिटने लग गया था। उसी के साथ अभिमन्यु के दिल की धड़कन भी कम होने लग गई थी। काला साया अभिमन्यु का रूप ले पाता उससे पहले ही कामेश्वरी अपनी शक्तियों से बवंडर को पूरी तरह नष्ट कर देती है। पर उसी के साथ उसके ताज में लगे लाल हीरे पर एक और दरार आ जाती है। कामेश्वरी सीधे अभिमन्यु और काले साये के पास आ जाती है। वो अभिमन्यु को झटके के साथ काले साये से दूर करती है और एक हाथ से अभिमन्यु का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से काले साये का। काला साया कुछ कर पाता उससे पहले ही कामेश्वरी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए काले साये ने अभिमन्यु का जितना भी रूप लिया था वो रूप वापस से काले साये से छीनने लग जाती है और अभिमन्यु को लौटाने लग जाती है। कामेश्वरी एक हाथ से काले साये से अभिमन्यु का लिया हुआ रूप छीन रही थी तो दूसरे हाथ से अभिमन्यु को उसका रूप वापस लौटा रही थी। काला साया चीखने लग जाता है। वो छटपटाता है, छूटने की कोशिश करता है पर कामेश्वरी की मजबूत पकड़ से छूटने में असफल रहता है। अभिमन्यु को वापस से उसका रूप मिल जाता है और भक्षानर भी वापस से काले साये में बदल जाता है। जैसे ही ये होता है काले साये की आंख से चौथा आखिरी इन्फिनिटी का निशान भी मिट जाता है। उसी वक्त कामेश्वरी अभिमन्यु का हाथ छोड़ती है और काले साये को अपनी पूरी ताकत के साथ धक्का देती है। काला साया पास में ही मौजूद पेड़ से जाकर टकरा कर धड़ाम से गिर जाता है। कामेश्वरी ने अभिमन्यु को मरने से तो बचा लिया था, साथ ही वो चौथा निशान भी मिटा दिया था, पर उसी के साथ उसके ताज में लगे हीरे पर एक और दरार आ गई थी। उसे खुद थकान महसूस होने लग गई थी। कामेश्वरी हांफते हुए भक्षानर को ललकारते हुए कहती है, उठ भक्षानर, उठ, अभी तो मैंने बस तेरी सारी शक्तियां खत्म की हैं, अभी तो मुझे तुझे भी खत्म करना है। काला साया अपनी जगह पर से उठते हुए हंसी के साथ कहता है, ये तू किस धोखे में जी रही है कामेश्वरी, तूने मेरी सारी शक्तियां खत्म नहीं की, तूने तो बस मेरी काली शक्तियां खत्म की हैं। मेरे अंदर दैवीय शक्ति तो अभी भी बची हुई है, वो दैवीय शक्ति जो मैंने तारा से छीनी थी, उनसे मुकाबला कैसे करेगी तू, तू तो अभी से थकने लगी। कामेश्वरी चुप ही रहती है। काला साया फिर बोल पड़ता है, और अगर तू मेरे अंदर की दैवीय शक्ति से भी लड़ गई तो मेरी सेना से कैसे लड़ेगी। इसी के साथ काला साया इशारा करता है और देखते ही देखते ढेर सारे जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कामेश्वरी जब अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है तो देखती है कि चारों तरफ से ढेर सारे जंगली और अजीबोगरीब जानवर आ रहे थे, जिनमें कुछ कब्र बिच्छू थे तो कुछ वैम्पायर फिंच थी तो कुछ जंगली सांप तो कुछ नेकेड मोल, कुछ रेड गेलाड़ा, कुछ बबून, ऐसे ही कई सारे अजीबोगरीब जानवर थे। सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि फॉकर सफीरा जैसे ड्रैगन भी थे जिनके ऊपर मुर्दे बैठे हुए थे जो उन्हें चला रहे थे। जितनी संख्या में वहां पर जंगली जानवर मौजूद नहीं थे उससे कहीं ज्यादा संख्या में वहां पर मुर्दों की सेना भी चलते हुए आ रही थी, उनके साथ जिसकी तादाद करीब 30,000 होगी। हर तरफ मुर्दे ही मुर्दे नजर आ रहे थे। यामिनी उन जंगली जानवरों को देखते हुए मन में सोचती है, ये तो वैसे ही जानवर लग रहे हैं जिनका जिक्र पलक ने किया था जो उसे औषधि पहाड़ी की गुफा के अंदर मिले थे। काला साया फिर बोल पड़ता है, कैसी लगी मेरी सेना कामेश्वरी तुझे, आ अब लड़ मुझसे और मेरी सेना से। आखिर इसी दिन के लिए तो मैंने इन्हें औषधि पहाड़ी की गुफाओं में पाला था। ये कुछ जानवर तो इसी लोक के हैं जो अब मेरे वश में है, पर बाकी मैंने अपनी काली शक्तियों से बनाए हैं तेरा अंत करने के लिए। उन जानवरों को देखकर कामेश्वरी भी घबराने लग गई थी। वो खुद अपने कदम पीछे हटाने लग गई थी। उसके समझ नहीं आ रहा था वो किससे लड़े, भक्षानर से या फिर उसकी इतनी बड़ी जंगली जानवर और मुर्दों की सेना से। युग और यामिनी दोनों के हाथ बंधे हुए थे जिस कारण वो उनकी भी मदद नहीं ले सकती थी, और मदद ले भी तो कैसे। युग तो पहले ही अपनी शक्तियां खो चुका था और वो यामिनी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अभिमन्यु भी दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा हुआ था, और रही कायर कछुआ और बिंदु की बात तो वो तीनों तो डर के कारण कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। काला साया कामेश्वरी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, तू तो डर गई कामेश्वरी, आ लड़ न मुझसे, आ मार मुझे। कामेश्वरी घबराहट के साथ ही अपने कदम पीछे खिसकाती रहती है। काला साया अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। कामेश्वरी को अपने कदम पीछे खींचते हुए देख सबकी उम्मीद टूट जाती है। हर किसी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है।
कामेश्वरी अपने कदम पीछे खींची रही थी कि तभी आसमान के ऊपर जो सुनहरा द्वार बना हुआ था उसमें हलचल होने लग जाती है। वो द्वार तेजी के साथ एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग जाता है जो कि कुछ देर पहले स्थिर था। सभी की नजर आसमान में मौजूद उस सुनहरे द्वार की तरफ चली जाती है। काला साया भी सुनहरे द्वार में हलचल होते हुए देख दंग रह जाता है। काला साया परेशान होते हुए कहता है, ये सुनहरा द्वार अपने आप कैसे हिल रहा है? मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। काले साय ने इतना कहा ही था कि तभी ढेर सारे हाथियों और घोड़े के कदमों की आहट आवाज सुनाई देने लग जाती है और वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सुनहरे द्वार से ही आ रही थी। अगले ही पल उस सुनहरे द्वार में से बड़ा सा रथ निकलकर सामने आता है। वो रथ जिसमें 7 उड़ने वाले घोड़े बंधे हुए थे, जिस पर कोई और नहीं बल्कि रज्जन सवार था। रज्जन के पीछे ही कई सारे हाथी घोड़े आने लग जाते हैं, जिन पर कई सारे यक्ष सवार थे, जिनके हाथों में तलवार, भाले, तीर, कमान, गदा थी। देखते ही देखते उस सुनहरे द्वार में से यक्षों की विशालकाय सेना निकलती है, उतनी विशाल कि वो काले साय की मुर्दों और जंगली जानवरों की सेना का सामना कर सके। रज्जन और उसके पीछे मौजूद सेना को देखकर कामेश्वरी समझ जाती है कि रज्जन पृथ्वीलोक से भागा नहीं था बल्कि अपनी सेना को लेने के लिए यक्षिण लोक गया था, क्योंकि चैटर्जी के अंतिम संदेश से वो समझ गया था कि चैटर्जी ने बस काले साय की सेना की एक टुकड़ी को खत्म किया है, असली सेना तो बची हुई थी और ये बात काले साय ने ही चैटर्जी से कही थी। इसलिए रज्जन अपनी सेना को लेने के लिए यक्षिण लोक गया था, पर जब तक रज्जन यक्षिण लोक पहुंचा था सारी यक्षिणियों को कैद करके काला साया वहां से जा चुका था और वहां पर जाकर रज्जन को पता चल गया था कि सारा मामला क्या था। रज्जन कामेश्वरी से कहता है, तुम अब अकेली नहीं हो कामेश्वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा सेनापति तुम्हारी सेना को लेकर आ गया है। जाओ और जाकर आक्रमण करो, मार दो इस भक्षानर को। रही बात इसकी सेना की तो उसे मैं संभालता हूँ। रज्जन की ये बात सुनकर कामेश्वरी के अंदर वापस से जज्बा पैदा होने लग जाता है और वो अगले ही पल काले साय से फिर से लड़ने लग जाती है। कामेश्वरी के ताज से लाल रोशनी निकलती है और काले साय की आंखों से निकलती हुई पीली रोशनी से टकराने लग जाती है। रज्जन भी अपनी यक्षों की सेना को निर्देश देने लग जाता है और काले साय की मुर्दों और जंगली जानवरों की सेना से लड़ने लग जाता है। काले साय की सेना के कुछ जंगली जानवर आसमान में उड़ रहे थे, जिस कारण रज्जन को रथ पर सवार होकर आसमान में ही उनसे लड़ना पड़ रहा था। वो अपनी तलवार से एक के बाद एक जानवर को मारकर जमीन पर गिराया जा रहा था। इस तरफ कामेश्वरी और काला साया फिर से लड़ने लग गए थे। कामेश्वरी हर कोशिश कर रही थी काले साय से उसकी दैवीय शक्ति छीनने की, पर काले साय के पास वो दैवीय शक्ति थी जो तारा की थी, जिसे छीनना उसके लिए आसान नहीं था। काला साया कामेश्वरी से लड़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान में मौजूद चांद पर पड़ती है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि पूर्णिमा जल्द ही खत्म होने वाली थी। काला साया मन में सोचता है, मुझे जल्द ही कामेश्वरी को कैद करना होगा, पूर्णिमा खत्म होने वाली है और पूर्णिमा खत्म होने से पहले कैसे भी करके आज रात ही कालगढ़ बनाना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं मंजिल के इतने करीब आकर उसे खो नहीं सकता। काला साया गुस्से के साथ कामेश्वरी को घूरते हुए मन में सोचता है, अगर इस कामेश्वरी से ऐसी शराफत के साथ लड़ता रहा तो पूरी रात बीत जाएगी, पर मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इसके साथ छल करना ही होगा, तभी यह हारेगी। काला साया सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, कैसे कामेश्वरी को हराए। तभी उसकी नजर कामेश्वरी के ताज पर पड़ती है और वो नोटिस करता है कि अब तक कामेश्वरी ने लड़ाई में उससे जितनी भी शक्तियां छीनी थी उस ताज की वजह से छीनी थी। उसके ताज में ही उसके आधे से ज्यादा शक्तियां थी, उसी की वजह से वो काले साय पर भारी पड़ रही थी। काला साया जानबूझकर अपनी आंखों से निकलती हुई पीली रोशनी को कम करता है और नीचे देखने लग जाता है, जिस कारण कामेश्वरी को लगता है कि काला साया हारने लग गया है। कामेश्वरी ने अभी एक चैन की सांस अपने सीने के भीतर भरी ही थी कि तभी काला साया नीचे झुकते हुए फिर अपनी आंखों से पीली रोशनी निकालता है और चकमा देते हुए जमीन पर से वापस से कुल्हाड़ी उठाता है और उसे कामेश्वरी की तरफ फेंक मारता है। कामेश्वरी जब तक समझ पाती कि उसकी तरफ काले साय ने क्या चीज फेंकी थी, तब तक वो कुल्हाड़ी ताज के हीरे से जाकर टकरा चुकी थी और उसी टकराहट के कारण कामेश्वरी का ताज उसके सिर से गिर जाता है। जैसे ही वो ताज गिरता है, उसमें जो लाल हीरा लगा हुआ था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कामेश्वरी कुछ करती उससे पहले काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात। मंत्र खत्म होते ही कामेश्वरी बिजली की शक्ति की बनी हुई बॉटल के अंदर कैद हो जाती है। ये सब काले साय ने इतनी फुर्ती के साथ किया था कि कामेश्वरी कुछ समझ ही नहीं पाई थी। कामेश्वरी बॉटल तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है पर नहीं निकल पाती है।
रज्जन आसमान में ही मुर्दों की सेना से लड़ने में इतना उलझ जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि नीचे क्या हो रहा था। वो तो खुद चारों तरफ से जंगली जानवरों और मुर्दों से घिरा हुआ था। काला साया हंसते हुए कहता है, आखिर तू कैद हो ही गई कामेश्वरी। यामिनी रोते हुए चीखती है, माँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।